हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से टेस्ट नंबर 7 करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ऑल एग्जाम्स के लिए हम लोग। प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट करके हमेशा की तरह ज़रूर बताइएगा, और आपका रिस्पॉन्स अच्छा है इस वजह से हम इसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर अगर बिजी पर्सन हैं और खाली सॉफ्ट कॉपीज से हमारा टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारा पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी एंट्रीज ओपन है उसमें। आपके फीडबैक के हिसाब से मोर लेस जैसा यूपी ट्रिपल एससी में पैटर्न रह सकता है, जो लेवल रह सकता है, उसी को यहाँ पर मेंटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर तो आपका कोई और सजेशन है तो हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि मधुबन अभिलेख किसके शासनकाल से संबंधित है। तो मधुबन अभिलेख जानकारी देता है हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। उत्तर प्रदेश में घोसी तहसील पड़ती है आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, वहाँ ये पाया जाता है। तो बस दो ही क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे हम लोग। हड़प्पा से संबंधित जो कालीबंगा जो आपका साइट मिला है उसके उत्खननकर्ता कौन थे, एक्सकवेशन किसने करवाया था, ये हमसे पूछा है। ठीक है, हु इज द एक्सकवेटर ऑफ कालीबंगा रिलेटेड टू हड़प्पन साइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वी बी लाल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वी बी लाल। अगर यहाँ पर पूछता कि खोज किसने की तब ये आंसर ना होता, तब आंसर होता अमलानंद घोष। ठीक है, अमलानंद घोष आंसर होता, लेकिन अभी पूछा है कि उत्खननकर्ता कौन थे, तो इसका आंसर है बीबी लाल। अगला क्वेश्चन है वहाँ पर कि उत्तर वैदिक काल में राजा अपने शौर्य तथा शक्ति प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ करवाते थे। तो शौर्य तथा शक्ति प्रदर्शन के लिए आंसर हो जाएगा आपका वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी। राजसूय यज्ञ किस लिए होता था, राजा के राज्याभिषेक के अवसर पर। आपका अग्निष्टोम यज्ञ कब होता था, पशु बलि की प्रणाली को इस यज्ञ का मूल माना गया है। ठीक है, पशु बलि होती थी अग्निष्टोम में, और अश्वमेध में क्या होता था कि साम्राज्य विस्तार करता था एक राजा और पड़ोसी शासक को चुनौती देता था, एक घोड़ा भेजा जाता था, अगर घोड़ा जहाँ जहाँ पर लैंड कवर कर लेगा वो उस राजा की, अगर घोड़े को रोका जाता है तो फिर युद्ध होता था, जो करवा रहा होता है राजा उसके बीच और जिसने घोड़े को रोका उस शासक के बीच। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बना था। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुधर्मन यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इब्राहिम लोधी के शासनकाल में सैन्य विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था। ठीक है, लोधी काल के एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन है, सैन्य विभाग के आपके विभाग के प्रधान को कहा जाता था ईशा ए मुमालिक, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, इसको कहा जाता था आरिज मुमालिक। ठीक है, डी सही है ना कि बी, आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। और भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे ईशा ए मुमालिक किसको कहते थे, जो पत्राचार विभाग का प्रधान होता था। बरबक किसको कहते थे, जो दरबार की कार्रवाई का संचालक होता था। ठीक है, और आपका मुतसिब किसको कहते थे, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर, ऐसा आप उसका रोल मान सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। ठीक है, हु वॉज द प्रमोटर ऑफ या प्रोपाउंडर ऑफ मोनोथिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर सी, शंकराचार्य। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर कि सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह हुआ था आपका बिहार बंगाल रीजन में, ऑप्शन नंबर ए। और सन्यासी विद्रोह की जानकारी आपको किससे मिलती है, ये मिलती है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नॉवल आनंद मठ से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, बिहार बंगाल रीजन। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पर कि निम्न कथनों पर विचार करिए, बारदोली सत्याग्रह प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, इसका नेतृत्व गांधी जी ने कहा था किया था, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही गलत हैं, क्योंकि बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, उस समय विश्व युद्ध चल ही नहीं रहा था और इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था और वहाँ की महिलाओं ने फिर उनको नाम दिया था सरदार। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर होगा, ना कि गांधी। रस्त गफ्तार किसका था, ये पत्र पत्रिकाओं से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मैगजीन एडिटर सब ध्यान रख लीजिएगा, लिस्टिंग बहुत जगह आपको मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, जिन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का प्रयास किया, दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी रस्त गफ्तार। अगला क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से है, तत्व बोधनी सभा का गठन किसने किया था। तो 1839 AD में देवेंद्रनाथ टैगोर या देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा यहाँ पर आंतरिक ग्रह है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल प्लैनेट। इंटरनल प्लैनेट या आपका आंतरिक ग्रह कौन सा है, तो आपका बुध होगा यानी कि मरकरी, और आपका वीनस भी होगा और आपकी अर्थ भी होगी और मार्स होता है, चार इंटरनल प्लैनेट होते हैं, मार्स दिया नहीं गया है, तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका डी, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 3। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि
विश्वेश ज्वालामुखी यानी विश्वेश वोल्केनो कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इटली। ठीक है, इटली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है यहाँ पर। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये आ सकता है एनसीईआरटी का, ये जो चार्ट दिया रहता है इससे बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं लगभग हर एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि सही सुमेलित हैं सारे। सवाना अफ्रीका में है, कैंपोस ब्राजील में है, प्रेरीज अमेरिका में है, स्टेपीज एशिया में है, याद कर लीजिएगा इनको। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चिनूक स्थानीय पवन किस स्थान पर चलती है? चिनूक आपको देखने को मिलती है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। आगे अगर हम बढ़ें तो एक बार फिर से मैचिंग क्वेश्चन है यहाँ पर, चक्रवात को मिलाना है जहाँ पर इस तरह का चक्रवात आता है या फिर चक्रवात को जो नाम दिया जाता है। तो टोर्नाडो आपका आता है यूएस में, टाइफून आता है आपका चीन में, हरिकेन आता है आपका हरिकेन आपका आता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में, और विली विली आता है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ध्यान रखा जा सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुक जलसंधि, जो कुक स्ट्रेट है वो कहाँ पर है? तो कुक स्ट्रेट है आपकी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच कंट्री द लेक विनीपेग इज सिचुएटेड? विनीपेग झील आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ये झील है कनाडा की, ऑप्शन नंबर डी। अब हमको बताना है कि वर्षा की समान मात्रा रखने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो इनको आइसोहाइटिक पॉइंट बोलते हैं या फिर आइसो हाइट। ठीक है, आइसो हाइट। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपका जो है, अच्छा ये मैचिंग क्वेश्चन है, चैनल को लोकेशन से मिलाना है, कहाँ पर आपको ये चैनल देखने को मिलेंगे? तो आपका 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, ये सही है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय के बीच है, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के बीच है, और ग्रैंड चैनल किसके बीच है? इंडोनेशिया और इंडिया के बीच। तो सारे सही सुमेलित हैं, इनको ऐसे ही याद कर लीजिए। अगला, अब आपको फिर से एक बार मैचिंग करनी है, लोकेशन रिवर और संगम उनका कौन कौन सा है? ठीक है, बेसिकली गैंगेस से रिलेटेड है। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। ठीक है, देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, आपका रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलेंगे, ऐसे मिलाएंगे आप। कर्णप्रयाग में आपको क्या मिलेगा? पिंडार और अलकनंदा, और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, इस तरीके से हम मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान एक आपका गणतंत्रीय यानी रिपब्लिकन है, क्योंकि किसी भी प्रकार से इसमें इनहेरिटेंस का कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, किसी भी लेवल पर आपको इनहेरिटेंस नहीं देखने को मिलेगी, कोई भी अपना जो पद है वो वंशानुगत ग्रहण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन पर क्या विचार किया गया था? तो यही था कि राज्यों का महासंघ बनाएंगे भारत को। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट इंडिया को बनाया जाएगा, और इंडिया आज भी यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट है, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट नहीं है, किस तरीके का है बताइए, किस तरीके का? हमारे यहाँ फेडरेशन है कि आपका कन्फेडरेशन है कि यूनाइटरी है, किस तरह का हमारा गवर्नमेंट है बताइए, किस तरह का सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 23 में हमको बताना है कि भारत के मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है वो कैसे थे? संविधान का मूल हिस्सा थे, चौथे संविधान संशोधन से जोड़े गए, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए कि 42वें संशोधन में? तो आपको बता दें कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के इंटीग्रल पार्ट थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। हमको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो फंडामेंटल राइट से भिन्न कैसे हैं? ठीक है, क्योंकि इसका यही कारण है कि नीति निर्देशक तत्व तो प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको पता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डायरेक्टिव है और कोई प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये भारत के नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, सही है। ये संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित विवादों की छानबीन करने का भी अधिकार है, लेकिन ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रक्षक के रूप में कार्य नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कृषि की आय की गणना कैसे की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है प्रोडक्शन मेथड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बाय प्रोडक्शन मेथड। अगला क्वेश्चन है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो अल्पकालिक है आपका ट्रेजरी बिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ट्रेजरी बिल। संतुलन स्तर बिंदु वो है जो बैलेंस लेवल पॉइंट है, वहां पर क्या होता है? कुल आय कुल लागत के बराबर होती है, टोटल इनकम इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अगला है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स कहाँ पर सिचुएटेड है? अंगूर का सेंटर आपका है पुणे में, ऑप्शन नंबर ए।
जल प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये है आपका भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर सी। अनुसंधान केंद्र वगैरह का लिस्ट की लिस्ट जरूर आप याद कर लीजिएगा। यूपी में जो है उनको बेसिकली बहुत अच्छे से, सेंसस 2011 के अंतर्गत हमारा कौन सा जिला जो है जिसमें मिनिमम लिटरेसी पाई गई थी अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, हम यूपी की नहीं बात कर रहे हैं, अक्रॉस द कंट्री सबसे मिनिमम लिटरेसी वाला जिला पाया गया था? अलीराजपुर। अलीराजपुर जो है ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्य में, भारत का कौन सा ऐसा राज्य जहां पर अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है अधिकतम मिलेगी आपको? तो वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी अधिकतम है। उसके बाद फिर महाराष्ट्र में है, फिर ओडिशा में है, फिर राजस्थान में है, फिर गुजरात में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? एबेस्टस का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर है आपका चाइना, ठीक है, चाइना। जो लेटेस्ट इकोनॉमी वीडियो आया है जिसमें प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है, प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की गई है, मिनरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन, उससे बहुत क्वेश्चन आए थे आपके। अभी केन सुपरवाइजर में उससे 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यूपी SSSC लोअर जो हुआ था री एग्जाम, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। गन्ना उत्पादक राज्यों को घटते क्रम में लगाना है, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन जिसका है उसको पहले रखना है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, फिर आपका महाराष्ट्र का है, फिर कर्नाटक का है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 213, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपका ठाकुरानीन जात्रा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑफकोर्स ये होगा ओडिशा में, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एट द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक के चेंज हुए थे हमारे करीब मई जून मंथ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है, डेविड मालपस, ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस हैव बीन डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट कार्बन पॉजिटिव प्लेस, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव बनाने का फैसला लिया गया था माजुली को 2016 में, लेकिन अभी भी वो कार्बन पॉजिटिव नहीं बन पाया। सरप्राइजिंगली फायंग गांव है एक छोटा सा, ये पड़ता है आपके मणिपुर की कैपिटल इम्फाल के पास, और ये भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव विलेज बना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कार्बन पॉजिटिव विलेज वही होता है जो जितना कार्बन जो है एमिट करता है उससे ज़्यादा डिस्पोज करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाते हैं? हम लोग क्षय रोग दिवस मनाते हैं 24 मार्च को, 24 मार्च। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, किसान मानधन पेंशन योजना जो अनाउंस की गई है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो इसमें शामिल होने की आयु 18 से 40 है, बिल्कुल सही बात है, आप 18 से 40 वर्ष के हैं अगर किसान हैं यहाँ पर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल फार्मर नहीं है, यानी कि आप बहुत बड़े किसान नहीं हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। और अगर आप श्रम योगी मानधन योजना वगैरह और या फिर तो कोई अन्य पेंशन योजना इस तरह की नहीं उठा रहे हैं तो इसमें शामिल हो सकते हैं। 60 वर्ष तक की आयु प्राप्त करने पर आपको 3,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर करना होगा 55 से 200 रुपये का, वो डिटरमाइन ये करेगा कि आप किस एज पर शामिल हो रहे हैं इसमें, ठीक है। और 5 साल तक चलाना इसको जरूरी है, 5 साल तक अगर नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं तो आपको ब्याज सहित, सेविंग अकाउंट के ब्याज सहित जो पैसा है वो वापस कर दिया जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की तो उसकी पत्नी को या फिर उसके पति को पैसा मिलेगा, ठीक है। इसमें पति पत्नी दोनों शामिल हो सकते हैं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, तो LIC जो है इस स्कीम की पूरी केयर टेकर रहेगी। अगला क्वेश्चन है कि कपाट गुड्डा वन्यजीव अभयारण्य जो है जिसको अभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया था हाल में, तो ये कहाँ पर है? तो कपाट गुड्डा है ये आपका कर्नाटक में। 16 मई 2019 को वन्य जीव अभयारण्य अधिनियम 1972 की अध्याय की धारा 4 के तहत, ठीक है, यहाँ पर इसको वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला, ऑप्शन नंबर डी। अभी हमारा क्वेश्चन है अगला कि साइक्लोन फानी जो आया था इसने अभी किस तट को हिट किया था? साइक्लोन फानी ने ओडिशा को प्रभावित किया था, ऑप्शन नंबर ए। आप मुझे ये कमेंट करके बताइए कि फानी का जो साइक्लोन का नाम है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन आते हैं उनमें जो नाम दिए जाते हैं, हम करंट अफेयर में कई बार आपको बता चुके हैं, जो साइक्लोन आ चुके हैं उनके नाम भी, ठीक है, जो आने वाले हैं उनके नाम भी बताइए। फानी किस देश ने नाम दिया है? विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियों की रिपोर्ट जो सीपरी के द्वारा जारी की जाती है, ठीक है, ये बताना है हमको। सीपरी की रिपोर्ट हर साल आती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है उसकी बात। उसमें दिखाया जाता है कि कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर कितना एक्सपेंडिचर कर रही हैं आपके सैन्य खर्च में, ठीक है। सैन्य खर्च किन कंट्रीज का सबसे ज़्यादा है? तो सैन्य खर्चे के मामले में टॉप पर आपका कौन है? US है। चौथे नंबर पर हमारा इंडिया है, ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, लेटेस्ट सिप्री की रिपोर्ट में। सिप्री एक पीस ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो कैलकुलेट करता है कौन सा देश यहाँ पर सबसे ज़्यादा आर्म्स खरीद रहा है। आर्म्स खरीदने के मामले में इंडिया चौथे नंबर पर है, और आर्म्स जो है इम्पोर्ट करने के मामले में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आपका जो अभी रिसैट टू है जो लॉन्च किया गया है, रिसैट टू भी सेटेलाइट है, किस व्हीकल से लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिशन शक्ति के बाद इसको लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया है PSLV C-46 के साथ। ठीक है, PSLV C-46 ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 140वीं। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में कितनी है, वर्ल्ड आपके पीस इंडेक्स में कितनी है, इसके आप हमको कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बहुत आस पास रैंकिंग है तीनों इंडेक्सेस की, और यही तीनों पूछी जाती है, तो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गोल्डन लंगूर जो है आपको ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है असम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि आपका जो है NRIF की रैंकिंग में 2019 की रैंकिंग में जो आपका HRD जारी करती है, इसमें से किसको बेस्ट इंस्टीट्यूट का दर्जा मिला है। 2019 के लिए मिला है IIT मद्रास को, ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। अगला क्वेश्चन है कि सबूत साथी योजना किससे संबंधित है, तो सबूत साथी योजना को पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की योजना है, ऑप्शन नंबर डी। सबूत साथी को कौन सा पुरस्कार मिला था आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने से संबंधित स्कीम है, चलाई गई थी आपकी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 6th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्क डिजास्टर रिडक्शन, ये इसका सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, छठवां। ये छठवां सम्मेलन था, सबसे पहले 2007 में हुआ था, और ये हर दो साल में एक बार होता है, जैसे अभी 2019 में हुआ, फिर 2021 में होगा। ये हुआ था आपका स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी। तो यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसको करवाता है, यूएन का जो भी मतलब सबमिट हो, यूएन के किसी भी इंपॉर्टेंट बॉडी का, तो उसका लोकेशन ध्यान रखना जरूरी है, बाकी चाहे स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच यूनिवर्सिटी हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2019। तो एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आती है, इसमें शिंगुआ यूनिवर्सिटी जो है इसने टॉप किया है, चाइना का है। हमारी तरफ से इनकी लिस्ट में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, लेकिन सबसे अच्छी रैंक मिली है ओवरऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु को, उनको 29वां स्थान इस लिस्ट में मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा देश एशियन चाय संघ का आपका सदस्य नहीं है, एशियन टी एसोसिएशन का मेंबर आपका मलेशिया नहीं है, बाकी चाइना है, भारत है, जापान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है। अब हम आ जाते हैं साइंस सेक्शन पर। हिंदी सेक्शन की अगर हम बात कर ले, तो सबसे पहले यहाँ पर वर्णमाला से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, अंग और आहा क्या होते हैं, ना ईश्वर होते हैं, ना व्यंजन होते हैं, ना संयुक्त, ये होते हैं अयोगवाह। ठीक है, अब अन्वीक्षण में आपको बताना है कि आपकी संधि कौन सी है, तो आपका होगा यहाँ पर अनुईक्षण, आपका ऊ और ई से वा बना है, तो इसमें कौन संधि लगेगी यहाँ पर, यण संधि। ठीक है, अगला है भरपेट में कौन समास है, तो इसमें है आपका अव्ययी भाव समास। कहावत शब्द में आपका प्रत्यय कौन सा लग रहा है, तो आवत लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी। मक्षिका का तत्सम क्या होगा, हमने आपको कहा था कि जहाँ पर भी क्षा होता है वहाँ पर तत्सम हुआ करता है, और उसका मोस्ट ऑफ द केसेस में तद्भव बनते समय या तो खा में चेंज होता है या तो छा में। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा मक्खी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द नहीं है, पैगंबर यहाँ पर आपका तुर्की भाषा का शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो बहिर्मुखी में आपका उपसर्ग है बहिर। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय को चुनना है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है अधिक, अधिक मत बोलो, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि हथियाना में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर नाम धातु क्रिया होगी, जो विशेषण और संज्ञा के शब्दों से क्रियाएँ बनती हैं वो नाम धातु होती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही है। मंदिर और मंदिरा युग में आपका सही अर्थ कौन सा होगा, तो मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का मतलब बताया था आपको अश्वशाला, ऑप्शन नंबर डी। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या है, तो पारिजात भी है, कल्प तरु भी है, देव वृक्ष भी है, ये सारे होंगे, ऑप्शन नंबर डी। एक ही समय में या फिर वर्तमान के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो ऑफकोर्स आप करेंट अफेयर पढ़ते हैं, यानी कि जो इस समय जो चीज़ें हो रही उनका पढ़ा जाना, तो हम उनको कहते हैं समसामयिक घटनाएं। ठीक है, कौन सा यहाँ पर सारंग शब्द का अर्थ नहीं है, सारंग शब्द का अर्थ आपका शहद नहीं होगा,
ठीक है, बाकी राजहंस भी है, कामदेव भी है, पपीहा भी है। आपको पता है सारंग के कितने सारे आपके अर्थ होते हैं? ठीक है, 15 से के करीब हैं। मोर, बाज, घोड़ा, हाथी, शेर, कोयल, ये सारे होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द सारंग के। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो जैसे सर्वोत्तम लिखा हुआ है, गलत है। इसमें आपको इस तरीके से लिखना होता है, सर्वोत्तम। ठीक है, आपका कीर्ति लिखा हुआ है, गलत है। कीर्ति इस तरीके से लिखते हैं, छोटी की मात्रा होगी यहाँ पर। और संसारिक यहाँ पर लिखा होता है, जबकि लिखते हैं सांसारिक। सांसारिक तो यहाँ पर एक ही बच रहा है, सच्चिदानंद, ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, बाकी गलत लिखे हुए हैं। राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा आपका कारक है? तो यहाँ पर है आपका अपादान कारक। जब भी तुलना होती है तो अपादान कारक लगता है, कारक के चैप्टर में बताया हमने आपको। अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि काटो तो खून नहीं, मुहावरे का अर्थ क्या? तो इसका आपका अर्थ होता है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, स्तब्ध यानी पेट्रीफाइड, मतलब कुछ भी कह ना पाना, बोल ना पाना, रिएक्ट ना कर पाना। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चिरंतन का पर्याय क्या होता है? चिरंतन का पर्याय होता है आपका शाश्वत, यानी सदा रहने वाला। ठीक है, और इसका आपका विलोम हो जाता है क्षणिक। इनमें से किस भाषा को हम काशिका भी कहते हैं, मतलब कहाँ ये काशिका बोली जाती है? तो काशिका आपकी काशी के रीजन में बोली जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये बताना है। कायाकल्प उनकी है, आपकी प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब उन्हीं की है। सोजे वतन भी उन्हीं की है, लेकिन ये ध्रुव स्वामिनी नहीं है, ये है प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपने पैराग्राफ पर। हमने आपको बताया था कि आप चाहें तो पहले क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति शंकालु क्यों है, ये देखना है हमको। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। फिर हमको देखना है कि हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है। ठीक है, और फिर आपका देखना है कि भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है मानव जीवन को। और फिर ये है कि आपका आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कहा जा सकता है। और फिर आपका आखिरी क्वेश्चन है कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति क्या करे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर, जहाँ हमने भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दी है, ठीक है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं और विज्ञान के हाथ में पहुँच गए हैं। इस बंद गली में पहुँचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। तो अभी हम इतना जो रीड कर चुके हैं, यहाँ तक देखते हैं कि हम कितने क्वेश्चन इससे सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक बार फिर से मन में रीड कर सकते हैं। तो आज का मानव अपने व्यक्तित्व के प्रति शंकालु क्यों है, इसका हमें कोई क्लू नहीं मिलता, तो इसको नहीं छेड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विज्ञानाधृत शिक्षा की महत्वपूर्ण देन क्या है? तो आपका यहाँ पर सर्वांगीण विकास ये तो है ही नहीं, एकांगी कर दिया है, लेकिन अभी बताना है कि महत्वपूर्ण देन क्या है, ड्रॉबैक नहीं बताना है। गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन ये नहीं, ये होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, मोस्ट अप्रोप्रिएट, जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास। ठीक है, भस्मासुर वाले का भी अभी हमें कोई क्लू नहीं मिलता है। और आगे अगर हम देखें तो हाँ ठीक है, अभी हमको और पैराग्राफ यहाँ पर रीड करना पड़ेगा और क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण क्यों नहीं कह सकते हैं? ठीक है, ये हम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कर सकते हैं। ये हम इसलिए आंसर कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा है ऊपर कि आपका जो है साहित्य, कला, धर्म को हमने जो है अपने से हटा दिया है और सर्वांगीण विकास को एकांगी बना दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो अब आगे का पैराग्राफ रीड कर लेते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्य को साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ ना बन जाए। ठीक है, व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है, और जो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है, इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकालु है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अपने अस्तित्व के संबंध में क्यों शंकालु है? तो ऑफकोर्स वो अपनी जो उसने मतलब शक्तियाँ अपने में समाहित तो कर ली हैं, लेकिन उन्हीं से भयभीत है, तो विज्ञान की शक्तियों से भयभीत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि आपका
क्वेश्चन नंबर हमारा जो रह गया था, क्वेश्चन नंबर 23, मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? क्या भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करके, नैतिक आत्मिक मूल्यों को आपको विकसित करके, या फिर आपका मानवता का विनाश करके? ये तो होगा ही नहीं। और या तो प्रकृति जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है? तो इसका आंसर यही होगा आपका, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, नैतिक आत्मिक मूल्य वही कि आपका अगर परमाणु विस्फोट भी करना है तो उसमें मानवता का उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, भौतिक मूल्यों का निर्धारण करके ऐसा नहीं करने को कहा जा रहा है। अगला है कि अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब आपकी खुद की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। साफ साफ वहां पर लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है कि जब मानव की क्षुद्रता, यहां पर जब व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इसमें उन्होंने पूछा है कि भस्मासुर कैसे ना बनने दिया जाए, तो व्यक्ति की क्षुद्रता राष्ट्र की क्षुद्रता नहीं बननी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से काफ़ी ट्रिकी था, मतलब सब कुछ डायरेक्ट नहीं मिल रहा था आपको, आपको कुछ ना कुछ डिराइव करना था यहाँ से। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पर सामान्य विज्ञान के सेक्शन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है साइंस सेक्शन से कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? तो इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट है आपकी ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी है और वेलोसिटी भी है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होता है एक्सप्रेस करने के लिए और डायरेक्शन भी। तो इन दोनों में मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डायरेक्शन भी। तो इंफ्रारेड रेज का यहाँ पर सबसे पहले खोज किसने की थी, डिस्कवरी की थी? हर्शल ने। ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, यानी कि कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका कनकेव मिरर। ठीक है, यानी कि आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच डिवाइस इज यूज टू जनरेट आर्टिफिशियल वेदर? ठीक है, कृत्रिम मौसम क्रिएट करने के लिए किसका इस्तेमाल हम करते हैं? तो ये करते हैं साइटोट्रॉन का, ऑप्शन नंबर डी, साइटोट्रॉन। सुमेलित करना है, अब मैच करना है कि आपका न्यूक्लियर, अच्छा ये परमाणु एक तरफ लिखा है एक तरफ, जो जिन्होंने उसकी खोज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की है आपके, इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे जे थॉम्सन ने, यहाँ पर केवल थॉम्सन लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन की खोज की है गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की खोज की है चैडविक ने। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गामा किरणों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। बिल्कुल सही बात है, उनके पास हाई ड्रिलिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर, ड्रिलिंग कैपेसिटी। ठीक है, इनमें वॉल्यूम कैपेसिटी और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, बोथ, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गामा रेस के बारे में सही है। अगला क्वेश्चन है अम्ल को उसके स्रोत से मिलाना है आपको, नेचुरली ये अम्ल कहाँ पर प्रेजेंट प्रेजेंट मिलेंगे? ठीक है, तो एस्टिक एसिड आपको किस में मिलेगा? सिरके में मिलेगा। ऑक्जैलिक एसिड आपको किस में मिलेगा? टमाटर में मिलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके आमाशय में मिलेगा, स्टमक में। और टार्ट्रिक एसिड आपको मिलेगा सिरके में, सॉरी टार्ट्रिक एसिड आपको मिलेगा इमली में। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नेम, ये क्लीशी क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 आपका हाफ H2O। ठीक है, 1/2 H2O। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित करना है यहाँ पर पदार्थ हैं और उनका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो आमाशय रस का आपका पीएच वैल्यू होता है, गैस्ट्रिक जूस का कम होता है, ये होता है 1.0 से लेकर 1.3 तक। लेमन का होता है आपका 2.0 से लेकर 4 तक, क्योंकि दोनों एसिडिक होते हैं। टियर से यहाँ पर बेसिक होता है, 7.4 इसका होता है। ब्लड ब्लीच स्लाइटली बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है, तो इसका 7.36, 7.42 होता है। सारे एक दूसरे के सामने सही मिलाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है यहाँ पर, ए बी सी डी आपके हैं और डेफिशिएंसी डिसीज जो होती हैं, तो रिकेट्स तो डी से होता है। ठीक है, बोन बोन से यहाँ पर सॉफ्ट हो जाती हैं। बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है और विटामिन ए की कमी से कॉर्निया में इफेक्ट होता है। ठीक है, कॉर्निया या फिर आप कह सकते हैं नाइट ब्लाइंडनेस वाली जो चीज़ होती है वो इसी से होती है।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मिनरल से मिलाना है फिर डेफिशिएंसी डिसीज, ठीक है? तो पोटेशियम से यहाँ पर ऑफ कोर्स लो ब्लड प्रेशर मिलाएंगे आप, आयरन डेफिशिएंसी अगर होगी तो हीमोग्लोबिन यहाँ पर आपका कम पड़ जाएगा, आपका जिंक डेफिशिएंसी से यहाँ पर रफ स्किन होगी, और कैल्शियम कैल्शियम डिफिशियंसी से आपकी हड्डियाँ वीक होंगी ऑफ कोर्स, ठीक है? जब हड्डियाँ वीक होती हैं तभी बच्चों को कैल्शियम की डोज लिखी जाती है डॉक्टर के द्वारा। अमीबा यूग्लिना ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है, तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी ऐसा स्पेसिफाइड ऑर्गेन नहीं होगा, तो शरीर की सतह से वो लोग रेस्पिरेशन भी करेंगे, एक्सक्रीशन भी करेंगे, और जितने भी प्रोसेस होते हैं जिंदा रहने के लिए वो सब करेंगे। बॉडी इज इफेक्टेड बाय लेप्रोसी, ठीक है? लेप्रोसी में जो क्या चीज़ इफेक्ट होती है, तो स्किन और नर्व्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? माइकोबैक्टीरियम लिप्री से होती है, बैक्टीरियल डिसीज है। अगला क्वेश्चन है कि हैजा होने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑफ कोर्स इससे एलिमेंट्री कैनाल इफेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब फाइबर ऑप्टिक जो है किस पर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुल इंटरनल रिफ्लेक्शन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप कुछ भी बोलें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी। मध्यम माध्यम के तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है, यानी कि अगर मीडियम का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द लाइट कैसी होगी, तो स्पीड होगी लाइट की वैसी, ठीक है? टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन नंबर ए सी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कांच जो है जो ये प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है, रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक के लिए, तो उसका तो कौन सी ग्लास यूज़ करते हैं, तो यूज़ करते हैं फाइबर ग्लास, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी, फाइबर ग्लास। प्योर फॉर्म कौन सा है आयरन का, तो कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा प्योर होता है, फिर उसके बाद रॉट आयरन होता है, इस तरीके से लिखते हैं, रॉट आयरन, फिर होता है पिग आयरन। तो ये तीन मैंने बता दिए हैं ऑर्डर में, प्योरिटी के फॉर्म में, इन्हीं को याद कर लीजिए। कौन सा एंजाइम जो है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदल देता है, तो ये है आपका जाइमेस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल लेवल बॉडी में कितना होना चाहिए, 180 से लेकर के 200 मिलीग्राम परसेंटेज में ये होता है, ठीक है? नॉर्मल लेवल है कोलेस्ट्रॉल का। अच्छा, हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम और एक बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम आपको बताइए कमेंट करके। वयस्क पुरुष में आरबीसी, देखिए वैसे तो अकाउंट बहुत वेरी दिखाई जाती है, 4.4 से लेकर के 5 मिलियन तक दिखा दी जाती है, प्रेग्नेंट वुमेन में अलग होती है, नॉर्मल वुमेन में अलग होती है, किसी को अनीमिया हो जाता है तो अलग होती है, लेकिन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप चूज करेंगे अराउंड 5 मिलियन, ठीक है? अराउंड 5 मिलियन इसको अप्रॉक्स मान लेंगे। आपको बताना है कि ह्यूमन बींग का, अच्छा ये जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो नर्व्स का कोई भी यहाँ पर विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्लड क्लॉटिंग का रीजन क्या है, वैसे तो ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, यहाँ पर बहुत सारे विटामिन काम कर मतलब एक विटामिन काम करता है, बहुत सारे आपके एक्टिवेटर काम करते हैं, कैटलिस्ट काम करते हैं, लेकिन अभी हमारे आंसर के हिसाब से यहाँ पर हम लेंगे थ्रोम्बिन, ठीक है? 26 नंबर क्वेश्चन से अपनी शुरुआत होगी मैथ सेक्शन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ 2^32 प्लस 1 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई ए नंबर, तो वो नंबर क्या होगा ये बताना है, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि इनमें से कौन, चारों ऑप्शन में कौन है जो कि उस नंबर से कट जाएगा। तो नंबर बताने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, जहाँ पे काम की चीज़ सिर्फ ये है ए प्लस बी। इस 2^32 प्लस 1 को ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी तो हमें पता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकलेगा, 2^32 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, और ये 32 × 3 = 96 हो जाएगा, 2^96 हो जाएगा, और ये अंदर कुछ भी लिखाओ, 2^32 × 2 = 64 प्लस 1 प्लस 2 × समथिंग जो भी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ सिर्फ ये है 2^96 प्लस 1, क्योंकि उसमें 2^32 प्लस 1 मिल गया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मान लीजिए किसी ने बोला 56 जो है वो 7 से कटता है, क्यों कटता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 7 × 6, डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 से 7 ऊपर नीचे कट जाएगा, इसी तरीके से
टू रेस्ट टू द पावर 32 प्लस 1 इंटू ये पूरी चीज़ है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इसको अगर 2 रेस्ट टू द पावर 32 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा ना। और ये पूरी चीज़ थी क्या? 2 रेस्ट टू द पावर 96 प्लस 1 थी, ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे थोड़ी ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा जितने भी क्वेश्चन आज के लिए हम करेंगे हिंदी मीडियम को। संजीव्स इनकम हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाई 10%, तो मान लो पहले उसकी इनकम 100 रुपये थी, उसको 10% से कम कर दिया, मतलब 10 रुपये यहाँ से कम कर दिए तो बच गई 90। अब हुआ क्या, हिज इनकम इज ब्राउट टू इट्स प्रीवियस लेवल, मतलब जितनी थी उतनी ही करना है। तो 90 से 100 कैसे बना सकते हैं, 10 ऐड करना पड़ेगा, कितने पे? इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए 90 पे। तो 1/9 का मतलब होता है 100/9%, जिसको आप लिख सकते हैं 11 1/9%, ऑप्शन बी। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 98, तीन नंबर को अगर आप जोड़ देंगे तो ऐड करने पर 98 मिलेगा। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड इज दिस एंड दैट ऑफ सेकंड टू द थर्ड इज दिस, तो ए बी सी अगर आप तीन नंबर मान लें तो ए इज टू बी आपको कितना पता है 2:3, बी इज टू सी आपको पता है 5:8, तो इन दोनों रेशियो को अगर आप मर्ज कर देंगे तो आपको देखने को मिलेगा ए इज टू बी इज टू सी। मर्ज करने का क्या तरीका होता है, जो वेरिएबल कॉमन है उसको सेम बना लीजिए। यहाँ पे बी की प्लेस पे तीन है, इधर पाँच है, तीन और पाँच का एलसीएम होता है 15, तो बी को कितना बनाना पड़ेगा 15, 3 × 5 = 15, तो इक्वेशन वन को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15, तो इक्वेशन दूसरी है उसको किया 3 से, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। अगर आप रेशियो को जोड़ देंगे तो 24 × 10 = 34, 15 = 49 मिलेगा, लेकिन सवाल के हिसाब से तो सम 98 है। 49 × 2 = 1, एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, मतलब जो भी रेशियो आपको दे रखा है उसको डबल करके आपसे जो पूछा है आप बता सकते हैं, लेकिन बताना वही पड़ेगा जो पूछा है, इसलिए फाइंड द सेकेंड नंबर। तो हमारे हिसाब से सेकेंड नंबर 15 है, एक्चुअल निकालना है तो डबल करना पड़ेगा, यानी कि 30, ऑप्शन सी। इफ दिस एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर व्हाट विल बी द वैल्यूज ऑफ टी, तो ये जो एन टू द पावर आर है इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिना देखे आर की प्लेस पर 2 रख लीजिए तो ये एन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद टी इंटू एन प्लस 1/4, हम जानते हैं कि अगर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1/4 लिखा होता, इसे हम लिख सकते हैं एन माइनस हाफ का होल स्क्वायर। इसी तरीके से अगर एन स्क्वायर प्लस एन प्लस हाफ सॉरी 1/4 लिखा होता तो इसको हम लिख सकते थे एन प्लस हाफ का होल स्क्वायर। तो ये बना लिए हमने परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन कैसे बनाया, टी की प्लेस पे एक बार प्लस 1 रखा, एक बार माइनस 1 रखा, कॉमन सेंस की बात है, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 इतना ही रखा, ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर बात करते हैं, द एवरेज ऑफ 124 आउट ऑफ 18 ऑब्जर्वेशन, मतलब 18 ऑब्जर्वेशन का डेटा आपने लिया, जब उनका आपने एवरेज निकाला तो कितना आंसर आया 124, इतनी बात आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इट वॉज लेटर रिवील्ड दैट द ऑब्जर्वेशन वर रिटन 46 and 82 वाइल दे वर एक्चुअली 64 and 28। इन 18 में से अगर आप दो डेटा की बात करें, ये दो डेटा जो एक्चुअल में थे, जो होने चाहिए थे, वो थे 64 और 28, लेकिन आपने इनको क्या कंसिडर कर लिया, 46 और 82, तो कुछ ना कुछ एरर आपने जनरेट कर दी, गलती कर दी ना। तो एरर क्या होती है, एरर निकालने का तरीका होता है सम ऑफ ऑल ट्रू वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज लेनी चाहिए थी उनको जोड़ लीजिए, माइनस सम ऑफ ऑल फॉल्स वैल्यूज, मतलब जो आपने गलती से ले ली उनको जोड़ लीजिए। किसमें से क्या घटाना है ये बात आपको अभी से समझ लेनी पड़ेगी, ट्रू वैल्यूज के सम में से फॉल्स वैल्यू के सम को घटाना है। तो ट्रू वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 64 और 28 जो आपको एक्चुअली लेनी चाहिए थी, ये हो गया 92, और बाकी 46 और 82 ये आपने क्या किया, गलती से ले लिया, 8 × 4 = 12 और 6 = 2 = 8 यानी 128। एरर आपने कितनी जनरेट करी, 28 × 8 = 36, माइनस का 36। अब ये जो एरर का साइन होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी आपने गलती से आपका आंसर निकाला, हमारे केस में 124, इसमें से कुछ लेस करना है
कि ऐड करना है, तो साइन नेगेटिव का है तो लेस करना है। क्या लेस करना है? इस 36 को 18 ऑब्जर्वेशन में बराबर बांट दीजिए, 36 बटे 18, तो हर एक के हिस्से में कितना आएगा? -2। और जो हर एक के हिस्से में आता है वही एवरेज के हिस्से में भी आता है, तो एवरेज 124 हुआ करता था ना, उसमें से 2 लेस कर दीजिए, आंसर एकदम करेक्ट आ जाएगा। 124 -2 122, ऑप्शन नंबर बी। अ पर्सन बोरोस रुपीज 2000 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 3.5, जो रेट है वो है, और बाकी 10 साल का टाइम है, हिंदी मीडियम के हिसाब से हमें चलना है। तो एक साल का 3.5%, तो 10 साल का 35%, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 2000 का 35%, 10% होता है 200, एक के बाद पॉइंट लगा दिया, इसका ट्रिपल करेंगे तो 3% आएगा यानी 600, इसमें से 5% और जोड़ देंगे, 200 का आधा 100, तो 700 रुपये टोटल इंटरेस्ट आ गया 10 साल के लिए। एक दूसरा पर्सन है जो 4000 रुपये इन्वेस्ट करता है 4.5% के रेट से, कितने टाइम के लिए, जिससे उसे भी 700 रुपये प्राप्त हो सकें। तो इस 700 रुपये जो ब्याज है आपका, आपको दूसरे पर्सन में भी कैरी फॉरवर्ड करना है, वहाँ भी ब्याज आपको इतना ही चाहिए। दूसरे केस में प्रिंसिपल है 4000, रेट है 4.5 यानी 9/2, 100 से डिवाइड करेंगे बिकॉज PRT/100, टाइम आपको पता नहीं है तो टी मान लिया, 20 से 20 हमने काट दिया, 220 10 से 10 235 जा, तो टी बराबर आ गया 35/9, इसे आप लिख सकते हैं 3 8/9, 3 9 27 8 35/9, तो 3 8/9, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ए बी एंड सी रेंटेड अ कार फॉर रुपीज 2080 एंड यूज दिस फॉर दिस दिस एंड दिस आर्स रिस्पेक्टिवली, मतलब तीन लोगों की बात हो रही है, ए बी और सी। ए ने 14 घंटे तक यूज़ किया, बी ने 16 घंटे तक, और सी ने 22 घंटे तक। अब ये बताइए, ये लोग जो किराया देंगे किस हिसाब से देंगे? जिसने ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया वही तो ज़्यादा किराया देगा ना, जिसने कार ज़्यादा चलाई वही ज़्यादा किराया देगा। तो एक्चुअल वैल्यूज लेके भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, 211 जा 28 जा 27 जा, आगे ये कटेगा नहीं, तो 11 8 19 7 26, अगर कुल मिला के 26 घंटे कार यूज हुई, तो उनमें से 7 घंटे ए ने चलाए, 8 घंटे बी ने उस कार को चलाया, और बाकी के 11 घंटे उसको सी ने यूज किया। इस सिंपल सा रेशियो का ये मतलब है कुल मिला के, लेकिन सवाल के हिसाब से उन्होंने 2080 रुपये के लिए यूज़ किया। अगर हम मान लें कि एक घंटे का किराया 1 रुपये है, तो ये 2080 के बराबर होना चाहिए। 26 से डायरेक्ट काट देते हैं, 26 8 जा और 10, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई। तो हर एक चीज़ को 80 गुना करके आप बता सकते हैं कि कितने किसने कितने पैसे पे करे, लेकिन बताएंगे वही जो पूछा है, हाउ मच सी विल पे। तो सी हमारे हिसाब से कितना देता है? 11 रुपये। सवाल के हिसाब से कितना देगा? 80 गुणे 11 यानी कि 880, ऑप्शन नंबर ए। अ पर्सन एज अ केमिकल वर्थ रुपीज 25 पर लीटर, केमिकल खरीद के लाता है जिसकी कीमत 25 रुपये लीटर है, इन व्हाट प्रोपोर्शन शुड वाटर बी एडेड टू इट। अब इसमें पानी मिलाना है आपको, और इस तरीके से मिलाना है कि 20 रुपये में बेचने के बावजूद 25% का प्रॉफिट हो जाए। तो एलिगेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है, तीन चीज़ें एक जैसी चाहिए होती हैं उसके लिए, ये फर्स्ट ये सेकंड। हमें पता है कि फर्स्ट केस में जो कॉस्ट प्राइस है वो 25 रुपये है, अब इसमें मिलाना क्या है? पानी मिलाना है ना, तो पानी तो फ्री में मिलता है, 0 रुपये उसकी कॉस्ट हो गई। ओवरऑल कॉस्ट क्या हो गई ये हमें निकालना पड़ेगा। दिया हुआ है कि 25% का प्रॉफिट हो जाता है, यानी आप 125% में बेच देते हैं 20 रुपये में, तो 100% मतलब क्या, बिकॉज 100% होता है कॉस्ट प्राइस, हमेशा याद रखना। 20 × 100 / 125 इसने 4 बार में काटा, 5 × 20 4 × 16, तीन चीज़ें एक जैसी मिल गई, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस, इधर भी कॉस्ट प्राइस, इधर भी कॉस्ट प्राइस, इनके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे ये 9,
इनके डिफरेंस को यहाँ लिखेंगे है 16, तो 16/9 इस रेशियो में आपको मिलाना पड़ेगा, और वही पूछा है यानी कि ऑप्शन बी। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पटना एट 12 noon, मतलब दिन के 12 बजे ट्रेन पटना से खुली दिल्ली के लिए, तो ये पटना और ये है दिल्ली, एट अ स्पीड ऑफ 40 km/h, ये टाइमिंग है दिन के 12 बजे और स्पीड क्या है 40 है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। एट 2 PM, मतलब 2 घंटे बाद अनदर ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम पटना टूवर्ड्स दिल्ली, दूसरी कोई ट्रेन चली 2 बजे फिर से पटना से दिल्ली के लिए, उस बार स्पीड कितनी थी 60 की और उस समय टाइम कितना था 2 बज रहे थे, मतलब 2 घंटे का गैप हो गया। आपको बताना है हाउ फार फ्रॉम पटना दी सेकेंड ट्रेन विल गेट फ्रॉम दी फर्स्ट ट्रेन, आप जानते हैं कि दूसरी पहली वाली से तेज चल रही है, कितनी भी लेट खुदे वो लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसको क्रॉस ज़रूर कर लेगी, अगर हम ये मान के चलें कि रास्ते में कोई हॉल्ट नहीं मिला तो, और आपको ये मानना ही पड़ेगा मैथ्स का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो टाइम निकाल देते हैं एक बार, तो मान लो पटना से दिल्ली तक की जो डिस्टेंस है वो एक्स किलोमीटर है, ये हो गई आपकी डिस्टेंस, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, तो जो पहले वाली ट्रेन थी जिसकी स्पीड 40 थी उसने कितना टाइम लिया x बाई 40, इसी तरीके से दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया x बाई 60। अब दिया हुआ है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के 2 घंटे बाद चली, मतलब टाइम के बीच में गैप हो गया ना, टाइम का डिफरेंस हो गया, हमारे हिसाब से टाइम का कितना डिफरेंस है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को लेस कर दीजिए, x बाई 40 माइनस x बाई 60 इज इक्वल टू 2, ये 2 घंटे का गैप हो गया, 60 40 कैल्शियम 120, 43 जा 62 जा, ये 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 120 दूनी 240, तो आपने टोटल डिस्टेंस क्या निकाल लिया 240 निकाल लिया, ये है कुल मिला के डिस्टेंस, तो आंसर क्या हो जाएगा 240 किलोमीटर, बिकॉज यही वो डिस्टेंस है जो टाइम डिफरेंस की वजह से निकला, ऑप्शन नंबर डी। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 10 किलोमीटर/h, पानी की खुद की गति मतलब जिस दिशा में वो बह रहा है वो लगातार 10 किलोमीटर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, इट टेक्स 6 times द टाइम फॉर अ बोट टू गो अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम का मतलब धारा के विपरीत, जहाँ पे पानी आपको आगे जाने के लिए सपोर्ट ना करे, जिस केस में स्पीड होती है x माइनस y, इसकी बात कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाने के लिए 6 घंटे ज़्यादा लगते हैं, ऑब्वियस सी बातें ज़्यादा लगेंगे क्योंकि वहाँ पे आपको पानी सपोर्ट तो कर नहीं रहा है। तो कुल मिला के हमने क्या समझा कि जो टाइम अप स्ट्रीम में लगता है वो 6 गुना है डाउन स्ट्रीम के कंपेरिजन में, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, मान लो डिस्टेंस डी है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है मैंने बताया x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 × d बाई एक्स प्लस वाई, डी से डी कट गया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6x माइनस 6y, अब यहाँ पे जो स्पीड है स्ट्रीम की उसको y किलोमीटर पर आर मानते हैं हमेशा, तो वो दी है 10, x प्लस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 6 × 10 = 60, इसको यहाँ लाएंगे तो ये 5x हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 60 × 10 = 70 हो जाएगा, x बराबर 5 × 14 = 14, और यहाँ पे हमसे पूछा क्या है द स्पीड ऑफ द बोट इन काम वाटर जो कि x किलोमीटर पर आर होती है, हमने निकाल लिया 14 km/h, ऑप्शन सी। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी इन 12 days, सी एंड ए अगेन 8 days, तो 8, 12 और 8 इनका एलसीएम होता है 24, और हमने मान लिया कि यही आपका टोटल वर्क है जो कि आपको करना है, जहाँ तक ए और बी दोनों का सवाल है तो 8 दिन लेते हैं 24 यूनिट के लिए, तो एक दिन में 24/8 यानी कि 3 यूनिट काम करेंगे, इसी तरीके से बी प्लस सी कितना करेंगे 2, इसी तरीके से सी प्लस ए या फिर ए प्लस सी कुछ भी लिख लीजिए ये भी करेंगे 3, अगर इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड कर दें तो ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी भी 2 बार है, तो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3 × 3 = 6, 2 8 2 4 =
तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया आपका 4। इससे ये पता चलता है कि तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी 4 है, मतलब तीनों अगर एक साथ लग जाएं तो एक दिन में 4 यूनिट काम निपट जाएगा। इस बात का मतलब ये है, हाउ मैनी डेज ऑल थ्री कैन डू द वर्क टुगेदर, एक साथ ये पूरा काम कितने दिन में करेंगे। पूरा काम है 24, हर एक दिन 4 करते हैं तो ऐसे ऐसे 6 दिन लगेंगे। ऑप्शन सी, टू नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, तो ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर, इसको 3x मान लिया, इसको 4x मान लिया। देयर एल्सियम इज 84। इनका अगर हम एल्सियम लेने जाएं 3x और 4x का, तो x तो कॉमन है, 3 चौक 12, तो 12x आ गया। सवाल के हिसाब से यही 84 के बराबर है, तो x बराबर 7 है, 12 7 जा। वॉट इज द लार्जर नंबर, हमारे हिसाब से लार्जर है 4x, तो x की वैल्यू रख देंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। ऑप्शन सी, इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0, फाइंड ए माइनस बी, ए माइनस बी ऊपर रखना था, डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीराइट करके लिख देते हैं। हम जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर प्लस 4a+1 होता, तो ये ए स्क्वायर प्लस 4a+4 होता, तब ये a+2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता था। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर अपने पास है, 4a भी अपने पास है, लेकिन हम लोगों के पास 4 नहीं है, तो 4 बना लेते हैं। इस 5 को ब्रेक कर लेते हैं, 1+4, तो 4 हमने यहाँ पर रख दिया, इसको कर दिया ब्रैकेट में। उसके बाद प्लस, हमारे पास बी स्क्वायर है, 2b है, और क्या बचा, 1 बचा। तो बी स्क्वायर प्लस 2b+1 को भी कुछ लिख सकते हैं, और दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0, ये तो होगा ही। इतनी पूरी चीज़ को लिख सकते हैं, मैंने पहले बताया, ए प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बाकी की ये वाली चीज़ को क्या लिख सकते हैं, बी प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी -2 और बी की आ जाएगी -1। यही रूल होता है कि समथिंग प्लस समथिंग का होल स्क्वायर हो तो इक्वल टू 0 करेंगे, तो अंदर वाली चीज़ को 0 के बराबर पुट कर देंगे, स्क्वायर छोड़ देंगे। तो ए प्लस 2 बराबर 0, यानी ए बराबर -2। ऐसे ही हमने बी भी निकाला है, तो ए और बी की वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा ए माइनस बी, -2 -+ तो +1, ए प्लस बी -2 -1, +-, -1/-3 यानी 1/3। ऑप्शन सी, इफ दीज आर इक्वेशन गिवन, ये सारी इक्वेशन आपको दे रखी हैं। इन द इक्वेशन विच इज द इक्वेशन हुज ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिनल पॉइंट, यहाँ पे ओरिजिनल पॉइंट का मतलब है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। ये कोऑर्डिनेट कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये आपको बताना है। इसका मतलब करना क्या है, एक्चुअली चारों ऑप्शन में एक्स 0 रखना है, वाई 0 रखना है, और अगर दोनों इक्वेशन के LHS RHS इक्वल आ गए तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा। सेटिस्फाई करने का मतलब यही होता है, अगर ऑप्शन ए में अगर आप एक्स वाई 0 रख दें तो LHS 0 आ जाएगा, जबकि RHS 2 दिया है, बराबर नहीं है, ये गलत है। इसी तरीके से LHS 0 यहाँ पे 3 कैसे आ गया, ये भी गलत, यहाँ पे भी 0, ये भी गलत, तो बाई डिफ़ॉल्ट आपका आंसर डी हो गया। लेकिन अगर आप पुट करके भी देखेंगे तो 2 × 0 0, 3 × 0 0, तो कुल मिला के 0, और 0 दे रखा है, तो इसका मतलब ये सही है। वॉट विल बी द एरिया ऑफ द इनर सर्किल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको दिया है कुछ इस तरीके का, क्या होता है वैसे, जिसकी तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, ए बी सी, मैंने इसका नाम दे दिया। तो यहाँ पे ए बी की बात करें आप, ए सी की बात करें, चाहे बी सी की बात करें, सभी 6 सेंटीमीटर के बराबर हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है जिसको मैं आपको डिफरेंट कलर से बना के दिखा रहा हूँ। ये इसके अंदर मान लीजिए सर्कल बनाए, ये शेप इसका प्रॉपर नहीं आया लेकिन ये बना दिया। आपको ये बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, जो भी ये ब्लू सर्कल बना हुआ है, इस सर्कल का सेंटर हो गया ये, सेंटर से लेकर ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी इसकी क्या, रेडियस।
और ये एंगल हो जाएगा 90 क्योंकि सेंटर से मैंने नीचे परपेंडिकुलर डाला है, और ये भी 90 हो जाएगा। अगर आप सेंटर को ओ मान लें और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको देखने को मिलेगा। ये छोटा वाला जो कि नीले रंग से बना है ट्राइंगल बी ओ ई। अब इस ट्राइंगल में ऐसी क्या खास बात है, यहाँ से जो मैंने लाइन निकाली वो इस बड़े वाले एंगल का बाईसेक्टर है। बाईसेक्टर का मतलब जो आधा आधा काट दें, एंगल को डिवाइड कर दें। तो ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री का। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। तो ये जो मैं एंगल बना रहा हूँ ट्राइंगल बी ओ ई के अंदर वो 30 डिग्री हो जाएगा क्योंकि बाईसेक्टर काटा था, 60 का आधा 30। तो ये 30 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा। ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ आगे आपको पता चलेगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो मीडियन भी होता है। तो यहाँ पे ये जो बी ई है ना, ये आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 3 है राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से कितने एंगल के सामने है, तो ये 60 डिग्री के सामने है। हमें क्या निकालना है रेडियस, क्योंकि एरिया के लिए हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, यानी 30 डिग्री के सामने की साइड निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि 30, 60 और 90 का कॉम्बिनेशन हो किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो अगर 30 के सामने की साइड गिवन हो और आपको 60 डिग्री के सामने की साइड बतानी हो तो बस रूट 3 से इंटू करना पड़ता है। और अगर 60 डिग्री के सामने की गिवन हो और 30 डिग्री के सामने बताना है तो रूट 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे हमें 30 के सामने बताना है ना, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, इस 3 को रूट 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल आएगा रूट 3। रेडियस अपनी कितनी आ गई, रूट 3। एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। पाई हमें वैसा ही रखना है क्योंकि चारों ऑप्शन में वैसा रखा हुआ है। आर स्क्वायर मतलब रूट 3 का होल स्क्वायर यानी 3। तो आंसर क्या आ गया, 3 पाई, ऑप्शन नंबर डी। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस एंड इट्स एरिया इज दिस। इफ द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज 17, फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो कुछ करना ही नहीं है, हम जानते हैं कि 8, 15 और 17 ट्रिपलेट होता है, जहाँ पे 17 हमेशा हाइपोटेनस होता है। ये ट्राइंगल बन जाएगा राइट एंगल्ड। तो इनमें से सबसे छोटी साइड कौन सी है, 8 है, तो बस टिक करिए और आगे बढ़िए, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 8, 15, 17 ये ट्रिपलेट पता है तो ऑप्शन सी। 44 नंबर आते हैं इसके बाद। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर्स इज दिस, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर डायमेंशन। तो एरिया जानते हैं ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू अलग अलग दे रखी है, तो दोनों साइड अंडर रूट ले लेंगे। 529 का हो जाएगा 23, 169 का हो जाएगा 13, यही आ गया वो रेशियो, ऑप्शन बी। इफ द नंबर ऑफ साइड इन टू आइसोस्केलेस, आइसोस्केलेस ये एक बार फिर से नहीं है, ये पॉलीगन है, इन द रेशियो 5:4 एंड द डिफरेंस इन ईच इंटीरियर एंगल इज 6 डिग्री, फाइंड द नंबर ऑफ साइड। इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है पॉलीगन में, n माइनस 2 डिवाइड बाई n इंटू 180, जहाँ पे n का क्या मतलब है, नंबर ऑफ साइड। तो दो पॉलीगन है, ये पहला ये दूसरा, इसकी नंबर ऑफ साइड मान लो 5x, इसकी क्या मान लो 4x। इस वाले के लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल हम निकालने जा रहे हैं, n माइनस 2 बाई n इंटू 180 लगाएंगे, तो 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 5x इंटू 180 हो जाएगा। इस वाले के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 4x इंटू 180। अब बीच में माइनस क्यों लगाया, क्योंकि इनके बीच का अंतर हमें 6 दे रखा है। बस इक्वेशन को सॉल्व करके x निकाल लीजिए, हम जानते हैं कि 180 कॉमन है तो उसको बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा अपने पास, 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 5x, उसके बाद है माइनस 4x माइनस 2 बाई 4x इज इक्वल टू 6। आगे आप सॉल्व करेंगे अगर, तो 4x इंटू 5x माइनस 2 माइनस 5x इंटू 4x माइनस 2 डिवाइड बाई 5 × 20 और एक्स स्क्वायर 20x², ये है 6/180 यानी 1/30। थोड़ी सी स्पेस बना के आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, एक दो स्टेप बाकी हैं फिर आपका आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन होते ही इस तरीके के कैलकुलेटिव हैं। 4×5 20x²
माइनस चार दूनी 8x, माइनस पाँच चौके 20x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 10x बाई 20x स्क्वायर, और बराबर में दिया है 1/30। 20x स्क्वायर से 20x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 10x माइनस 8x यानी 2x बाई 20x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/30। 0 से 0 काट दिया हमने, 1x से दूसरा x काट दिया, 2 से 2 काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x कितना आ गया, 2 आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ साइड बताना है ना, तो हमने कितना माना था 5x और 4x, 5 दूनी 10, सॉरी x 2 नहीं x 3 आएगा, तो 5 तियाई 15, 4 तियाई 12, एक पॉलीगन की साइड 15 है, दूसरे की 12 है, ऑप्शन ए। इफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, तो एक बात बताइए रेडियस कितनी होगी, आधी होगी, 21 होगी। व्हाट विल बी द एरिया एट 120 डिग्री एंगल, तो एंगल बता दिया, इसका मतलब सेक्टर का एरिया पूछा है आपसे, सर्कल का नहीं उसके पार्ट का पूछा है। तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, थीटा का मतलब जो भी सेक्टर का एंगल बन रहा है, 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 120/360, ये 3 टाइम्स में कटा, 7 तियाई 21 से 1 21 कट गया। 22 गुणे 21 क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं 42 गुणे 11 यानी 462 स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ से करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम साइज इनसाइड अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस, मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनाना है सर्कल के अंदर, तो ये मान लो मैंने बना दिया सर्कल, मैक्सिमम साइज का सर्कल हो सकता स्क्वायर हो सकता है, मतलब फिगर को एक बार फिर से बना देते हैं, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया था, प्रॉपर नहीं बनाए फिर भी आप समझ सकते हैं। अब मेन बात यह है कि इस स्क्वायर की हमें साइड पता चल जाए या तो डायगोनल पता चल जाए तभी हम इसका एरिया बता पाएंगे। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ एक लाइन डाल दूँ तो ये क्या होती है, स्क्वायर की डायगोनल होती है, और इस लाइन को आधा कर दूँ तो ये जो आधी लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है सर्कल की रेडियस को जो कि हमें 12 दे रखी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल की रेडियस को अगर हम डबल कर देंगे तो स्क्वायर की डायगोनल मिल जाएगी हमको, स्क्वायर की डायगोनल होती है ए रूट टू। अब ये कितनी निकाली हमने, 12 का डबल 24 निकाला हमने, तो ए क्या आ गया 24/√2, एरिया क्या होता है इसी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576 और रूट टू का 2, ये आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन इज दिस, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया टू द टोटल सरफेस एरिया, CSA बाई TSA आपको निकालना है। CSA क्या होता है इसका, पाई आर एल, TSA क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या लाना है आपको, एल बाई एल प्लस आर, एल आर दोनों की वैल्यूज किसी तरीके से पता चल जाएं, बस आपका काम हो गया। तो ये हमने बना लिया कोन, इसकी जो रेडियस है वो है 4, रेशियो में है लेकिन हम उसको एब्सोल्यूट मान के कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बताना भी तो रेशियो है ना, तो ये 4 है, और ये जो हाइट है ये 3 दे रखी है, ये डिस्टेंस, तो एक बात बताइए ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 3, 4, 5 हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं तो ये 5 हो जाएगी, और यही स्लैंट हाइट होती है जो कि एल हो जाएगा, तो एल 5 आ गया, फिर से एल 5 रख देंगे, आर अपने पास 4 है तो 5/5, 4, 9, ये यहाँ से करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। हाउ मच रेडियस, यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक्चुअली आपको 3 स्फीयर दे रखे हैं, इनको पिघला के जब आप एक नया स्फीयर बनाएंगे उसकी रेडियस आपको बतानी है, तो यहाँ पे हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, वॉल्यूम कंजर्वेशन मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कितने भी 3D फिगर पिघला के आप एक नया 3D फिगर बना दो, जो वॉल्यूम इन तीनों का होगा वही वॉल्यूम इसका होगा, तो इन तीनों का कंबाइंड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3π हम कॉमन ले लेंगे, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 4/3π, मान लो इसकी रेडियस r है तो कैपिटल R का क्यूब, इससे ये कैंसिल,
इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1728। तो आर क्यूब बराबर 1728, दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 12, बिकॉज 1728 का क्यूब रूट होता है 12। तो रेडियस हमने कितनी निकाल ली, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। इफ पी साइन एक्स इज इक्वल टू क्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपसे पूछा क्या है। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इंटू टेन एक्स, ये चीज़ आपसे पूछी हुई है। साइन एक्स की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, क्यू बाई पी। साइन एक्स वैसे होता क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं, जहाँ पे ये एंगल एक्स मान लिया हमने, इसका परपेंडिकुलर क्यू है, इसका हाइपोटेनस आपका पी है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, वहीं से हमने निकाल लिया इसको सॉल्व करके डायरेक्टली। तो रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर तो अपने पास रहेगा ही, टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। हमारे केस में परपेंडिकुलर क्या है, क्यू है, और बेस क्या है, रूट अंडर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, फाइनल आ गया क्यू, ऑप्शन बी। द फेस वैल्यू ऑफ अ कबर्ड इज रुपीज 6000, मतलब उसकी एमआरपी कितनी है, 6000 है। एक पर्सन इसको खरीद लेता है, लेकिन नेगोशिएशन के टाइम पे पहले इसको 20% का डिस्काउंट मिलता है, उसके बाद जो नया प्राइस निकल के आता है उस पर भी 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो 20% के डिस्काउंट के बाद ये कितना हो जाएगा, 10% लेंगे तो 600, 20% मतलब डबल, तो 1200 रुपये कम करेंगे तो 4800 रुपये इसकी फाइनल कीमत आएगी। लेकिन इस पर भी ग्राहक को 10% का डिस्काउंट चाहिए था, तो इसका मतलब 480 और कम करना पड़ेगा। अगर आप 500 कम करेंगे तो 4320 कम करेंगे तो 4320, इतने रुपए में पड़ेगी जो चीज़ है। अब इतने रुपए में खरीद के तो लागे, खरीद के तो वो ले आया, मतलब ही स्पेंड्स 10% ऑफ हिज परचेज प्राइस ऑन ट्रांसपोर्टेशन। इस 4320 का 10% इसने आने जाने में खर्चा कर दिया, उसकी मेंटेनेंस में या फिर जो भी है ट्रांसपोर्टेशन में। तो 4320 का 10% क्या होता है, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 432, तो ये भी उसको अपनी जेब से पे करने पड़े, इसलिए उसकी कॉस्ट में हमने ऐड कर दिया इसको। 4752 रुपये का ये आर्टिकल पड़ा ट्रांसपोर्टेशन प्राइस मिला के। इफ़ ही वॉन्ट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट, अब ये चाहता है कि जो सामान इसने खरीदा वो ये बेच दे, और इस तरीके से बेचे कि ये 20% का प्रॉफिट कमा जाए। लेकिन अगर आप इसका 20% लेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, तो इसको अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं, बिकॉज चारों ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पे कोई भी अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, लास्ट में दो जीरो दे रखे हैं। तो यहाँ पे 4750 रुपये में मान लेता हूँ, इससे हमारा थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इसको 20% प्रॉफिट चाहिए ना, तो इसका 20% निकाल के इसी में ऐड कर देते हैं, तब हमको देखने को मिलेगा वो प्राइस जिसमें ये फाइनली अपनी अलमारी को बेचेगा। तो इसका 10% होता है 475, इसका डबल क्या होता है, 400 का डबल 800, 75 का डबल 150, कुल मिला के 950। तो 950 रुपये का इसको प्रॉफिट चाहिए, 57, तो 5700 रुपये में अप्रॉक्सीमेटली बेच देगा। हालांकि 4752 रुपये हमने फाइनल प्राइस निकाला था, लेकिन 4750 लेके सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज पॉइंट में आंसर आएगा, ऑप्शन बी। डिवाइडिंग ए नंबर बाई 9, 11, 13 कंटिन्यूसली लीव्स 8, 9 and 8 रिमाइंडर। अगर किसी नंबर को 9 से डिवाइड किया तो उसने 8 रिमाइंडर दिया, तो वो नंबर क्या रहा होगा, 9x प्लस 8 की फॉर्म में रहा होगा, क्योंकि ये प्लस 8 रिमाइंडर के कारण आया है। उस नंबर को जब आप आगे कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11y प्लस 9, बिकॉज 9 रिमाइंडर बच गया। उसके बाद आप रुके नहीं, फिर से डिवाइड किया 13 से, तब रिमाइंडर कितना मिला, 8 मिला। इसका मतलब z इज इक्वल टू 13 y इज इक्वल टू 13z प्लस 8। तो बस इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं, y की वैल्यू x में रख देते हैं और z की y में, देखते हैं क्या आता है। x की प्लेस पे मैं रख रहा हूँ
इलेवन वाई प्लस नाइन, तो ये हो जाएगा अपना 99 वाई प्लस 81 प्लस 8 कितना हो गया 89। अभी आपको रुकना नहीं है, इस y के प्लेस पे 13z प्लस 8 रखना है, तो ये आ जाएगा 1287, ऊपर प्लस 89 करना था तो ये आ जाएगा 881 इंटू जेड। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 1287 इंटू समथिंग, समथिंग है जेड प्लस 881, ये है अपना नंबर। अब करना क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ डिवाइजर्स आर रिवर्स्ड, यहाँ पे डिनोमिनेटर लिखा है, यहाँ पे डिवाइजर होगा, मतलब क्या है कि पहले आप 9, 11, 13 से डिवाइड कर रहे थे, अब आप 13, 11 और 9 से डिवाइड करोगे, यही तो मतलब हुआ डिवाइजर चेंज करने का, तो उस समय रिमाइंडर क्या आएगा। एक बात बताइए, 1287 इंटू समथिंग है ना, अब ये समथिंग क्या हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर हुआ तो फर्क पड़ेगा, इंटीजर नहीं हुआ तो इसकी प्लेस पे हमने जीरो रख दिया, तो वो नंबर कुछ भी हो जाए, कितने भी डिजिट का हो जाए, 881 से अपना पीछा कभी नहीं छूटेगा, ये हमेशा रहेगा। तो उस पूरे नंबर को डिवाइड ना करके सिर्फ इस 881 को उठा लेते हैं, क्योंकि पूरा नंबर निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो कितने भी डिजिट का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप जेड कितना लेते हो, ज़ीरो लेते हो, वन लेते हो, टू लेते हो, आपकी मर्ज़ी, आप कितना भी ले सकते हो, लेकिन मैं ज़ीरो रख रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि 881 से पीछा नहीं छूटेगा, बाकी नंबर कितना भी हो सकता है। तो जो हमसे बोला गया है करने को कि आप ऑर्डर चेंज कर दो डिवाइज़र का, तो ऑर्डर उस नंबर में चेंज नहीं करेंगे हम, इस 881 में चेंज करेंगे, और जो इफ़ेक्ट यहाँ से आएगा वही पूरे नंबर के ऊपर भी होगा। तो 881 को एक बार क्या करना है, 13 से डिवाइड, 881, 13 6 78 13 7 91, तो देखिए 10 रिमाइंडर बच गया, पहली बार में कितना रिमाइंडर बच गया, 10, शुरुआत में आपको 10 चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, या तो आपका आंसर सी होगा या फिर डी होगा। एक बार इसी 881 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 8 88 और एक बच गया, तो 10 के बाद अगला रिमाइंडर आपको एक चाहिए, तो इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चांस नहीं ले सकते, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और रिमाइंडर आ जाए। इसी 881 को जब आप क्या करने गए, 9 से डिवाइड करने गए, तो 9 9 81 हुआ, 9 7 63 हुआ, और इधर 8 बच गया, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आए हमारे वो 10, 1 और 8 आए, ये ऑप्शन कहीं नहीं है, तो इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, 10, 1 और 8, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, जबकि ऑप्शन सी में 10, 1 और 6 दिया था। रीजनिंग सेक्शन की बात करना शुरू करेंगे हम लोग, पहले नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे आपको इधर क्या आएगा ये बताना है, नंबर सीरीज का ये सवाल है, तो यहाँ पे गैप लेके देखते हैं बात बनती है कि नहीं, ये 7, ये 19, ये 37 और ये गैप है 61 का, इन रेड वालों में भी गैप देख लेते हैं, ये 12 का, 37 माइनस 19 18 का, और ये 61 माइनस 37 24 का, तो 12 का गैप, 18 का गैप, 24 का गैप, तो यहाँ पे 30 का गैप आना चाहिए, तो यहाँ पे 61 और 30 क्या बन जाना चाहिए, 91, अगला नंबर क्या आएगा, 127 प्लस 91 यानी कि 218, ऑप्शन ए। इस वाले क्वेश्चन में भी 6 8 8 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, फिर 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए, ऑप्शन बी। 3 नंबर में आपको रॉन्ग नंबर बताना है क्या आ गया, तो सबसे पहले लॉजिक समझने की कोशिश करते हैं कि ये सीरीज बनी है तो बनी किस तरीके से है, ये है 11, ये है 22 का गैप, फिर है 33 का गैप, फिर है 44 का गैप, तो यहाँ पे 55 का गैप होना चाहिए, बिकॉज 11 का डबल 22, 11 का ट्रिपल 33, 11 का 4 गुना 44, तो यहाँ पे 11 का 5 गुना 55 आना चाहिए।
तो 146 में जब आप 55 लेस कर देंगे तो यहाँ पे 91 आएगा, जबकि इधर 90 आ रहा है, तो 90 के कारण सीरीज़ गड़बड़ हो रही है। तो जिसके कारण सीरीज़ गड़बड़ होती है वो आपका क्या बन जाता है, रॉन्ग नंबर बन जाता है, ऑप्शन ए। 4 नंबर में आपको एनालॉगी कंप्लीट करनी है। जिस तरीके से 11539 का रिलेशन 72135 के साथ है, उसी तरीके से 23687 का किसके साथ होगा, तो ये बता ले जाएंगे हम लोग। यहाँ पे जब भी बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो आप सम ऑफ डिजिट लेने का प्रयास करते हैं। 2 5 7 9 16 3 19, 7 2 9 1 10, 5 15 18, उधर सम ऑफ डिजिट 19 था, इधर 18 हो गया, मतलब एक का गैप बन गया, वो भी लेस करके। 2 3 5 6 11 8 19 7 26, तो जहाँ पे 25 का यूनिट डिजिट मिलेगा ऐड करने पे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 9 3 27, ये तो पहले ही गलत है। 4 7 11 6 17 2 19 1 20, ये भी गलत है। उसके बाद 9 2 9 18 8 26, ये ज़्यादा हो गया, आपको 25 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचा सी, इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है 5th नंबर, यहाँ पे आपको ऑड वन आउट बताना है। तो मार्च अप्रैल अगस्त दिसंबर, वैसे तो कोई लॉजिक इसमें मिलेगा नहीं, लेकिन एक लॉजिक आप सोच सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ डेज निकाल के देखें इन महीनों में कितने कितने दिन होते हैं। मार्च में 31, अप्रैल में 30, अगस्त में 31, दिसंबर में 31, तो 3 जगह पे 31, 1 जगह पे 30, तो अप्रैल यहाँ से करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी। इन अ रो एक्स इज 14 फ्रॉम द बिगनिंग, एक्स की रैंक आपको शुरू से यानी कि लेफ्ट से पता है कितनी है, 14, इधर से। वाई इज 17 फ्रॉम द एंड, उसकी रैंक आपको राइट से पता है कितनी रैंक है उसकी, 17 है। जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन एक्स एंड वाई, जेड इन दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब जितने लोग यहाँ पे हैं एक्स और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में भी उतने ही लोग होंगे। इफ देयर आर टोटल ऑफ 48 इन अ रो, हाउ मैनी पीपल आर देयर बिटवीन एक्स एंड जेड, यहाँ पे कितने लोग आएंगे एक्स और जेड के बीच में, वाई और जेड के बीच में भी उतने ही आएंगे, तो एक ही बात है, कुछ भी बता सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे एक्स और वाई के बीच कितने लोग आ रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एल प्लस आर, एक की रैंक 14, दूसरे की 17, ये 31, और टोटल है आपका 48। टोटल और एल प्लस आर को कंपेयर करिए, टोटल बड़ा है ना, तो जब भी टोटल बड़ा होता है तो मिड वैल्यू हमेशा डिफरेंस आती है, मतलब 31 48 के बीच का डिफरेंस यानी 17, तो एक्स और वाई के बीच में 17 लोग होंगे, उसमें से एक जेड भी है, तो अगर आप जेड को हटा दें तो 8 लोग इधर आ जाएंगे, 8 लोग इधर आ जाएंगे, तो 16 तो यहाँ से हो गए, 17वां जेड हो गया। इस तरीके से आपने एडजस्ट कर दिए 17 लोग। अब आपसे कुछ भी पूछ ले एक्स जेड के बीच में चाहे वाई जेड के बीच में, आंसर 8 आएगा, ऑप्शन सी। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 में, हाईएस्ट को इस तरीके से लिखा जाता है, तो इस तरीके से किसको लिखा जाएगा, उल्टा सवाल पूछा है। तो सबसे पहले लॉजिक ढूंढते हैं कि हाईएस्ट को अगर उस तरीके से लिखा तो क्यों लिखा। अगर आप यहाँ पे देखें तो एच का रिलेशन एफ से बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एच का इस एच से रिलेशन बना सकते हैं। यहाँ पे शुरुआत एच से हो रही जबकि उधर अंत हो रहा है एच से, तो पहला लॉजिक ये बना। उसके बाद दूसरे नंबर का लेटर है आई, यहाँ पे अंतिम से दूसरे नंबर का लेटर है जे, मतलब +1 हो गया। इस तरीके का कुछ लॉजिक नजर आया। आगे देखते हैं, यह है ई एस टी, इसका क्या करेंगे, ई से एफ +1, एस से टी +1, टी से यू +1, मतलब जिसका भी आपको कोड निकालना है लास्ट के 3 नंबर आपको उठाना है और उसको आपके कोड के फर्स्ट 3 अल्फाबेट से कंपेयर करना है, +1 होना चाहिए लगातार। तो देखते हैं, ऑप्शन ए में है डबल ई डी, ई से +1 एफ, यहाँ तक ठीक है, ई से +1 एफ जबकि उधर टी है, गलत हो गया ये। उसके बाद हमारे सेकंड ऑप्शन के लास्ट 3 डिजिट देखेंगे क्योंकि उसी का कोड बताना रहेगा, यू से +1 वी आना चाहिए, पहली नज़र में गलत,
उसके बाद ई डबल एस, ई से प्लस वन, एफ एस से टी, फिर एस से टी, एफ टी टी आ रहा है शुरुआत में? जी हाँ आ रहा है बिल्कुल, इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया। इफ गॉर्ब फ्लर मीन्स फैन बेल्ट, पिंक्स गॉर्ब मीन्स सीलिंग फैन, तो मीनिंगफुल वर्ड को जब आप बोलते हैं तो क्या चीज़ आपने दो बार बोली? फैन। उधर नॉन मीनिंगफुल वर्ड में कौन सी चीज़ दो बार है? तो गॉर्ब, तो फैन गॉर्ब के लिए हमने फिक्स कर दिया। अगर आप इक्वेशन वन में फिर से जाएं तो गॉर्ब हम फैन के लिए फिक्स कर चुके हैं, तो फ्लर किसके लिए फिक्स हो जाएगा? अपने आप बेल्ट के लिए फिक्स हो जाएगा, क्योंकि दो ही लोग हैं और आगे कोई इक्वेशन नहीं दी गई है। एक तीसरी दी है लेकिन वहाँ पे कोई कॉमन नहीं मिलेगा। रूफ टाइल का मतलब बताना है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं। देखिए जो गॉर्ब है ये फैन के लिए फिक्स कर चुके हैं, तो किसी और चीज़ के लिए गॉर्ब यूज़ हो सकता है क्या? रूफ या टाइल में से किसी एक के लिए? बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया। गॉर्ब ऑप्शन सी में है, ये भी गलत हो गया। उसके बाद फ्लर हम बेल्ट के लिए फिक्स कर चुके हैं, तो किसी और चीज़ के लिए फ्लर फिक्स हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी एकमात्र बच जाता है जिसके करेक्ट होने के चांसेस हैं। रनिंग फ्रॉम 10 AM टू 10 PM, मतलब 12 घंटे का गैप हो गया। द आर नीडल एंड मिनट नीडल ऑफ अ वॉच हाउ मैनी टाइम्स विल मेक द राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण कब बनेगा दोनों सुइयों के बीच में, ठीक उसी तरीके की सिचुएशन जो 3 बजे होती है। ये दोनों एंगल, मतलब ये दोनों सुई 90 डिग्री पे होती हैं, इस तरीके की कोई चीज़ होती है, आप 9 बजे भी समझ सकते हैं, यही सिचुएशन हो रखी होती है। 12 घंटे में ये सिचुएशन कितनी बार होगी ये बताना है। तो घड़ी के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं कि राइट एंगल बनाने की जहाँ तक बात हो, तो 24 घंटे में 44 बार, तो 12 घंटे में 22 बार, तो अगर आपको फैक्ट याद है तो भी आप सही कर सकते थे। ऑप्शन ए, 1 घंटे में 2 बार राइट एंगल बनता है, ये आपको पता होगा। तो 24 घंटे में तो 48 बार बनना चाहिए, लेकिन इनिशियल पोजीशन भी तो होती है ना घड़ी की, तो इनिशियल पोजीशन होती है 12 पे, फाइनल पोजीशन भी होती है 12 पे, तो 2 यहाँ से लेस कर दो और 2 यहाँ से लेस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 48 - 4 = 44। तो 44 24 घंटे के लिए, तो 12 घंटे के लिए 22। विच वर्ड कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कंसल्टेशन के सारे वर्ड को यूज़ करके कौन सा नहीं बन सकता है? कॉन्स्टेंट बन सकता है, सभी लगभग प्रोनाउंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप देखें नेशनल में तो यहाँ पे ए 2 बार हैं ऊपर, जबकि ए एक ही बार है, जब 2 बार है ही नहीं तो ये बना कैसे? नहीं बन सकता। ऑप्शन डी, रवि वॉक 8 मीटर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन, 8 मीटर चल दिया। 6 मीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब यहाँ से ये वाली डायरेक्शन, फिर से उसने क्या किया, 6 मीटर चल दिया। अब ये एंगल होता है हमेशा 90, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में 90 एंगल बनता है। तो ये रही इनिशियल पोजीशन, ये रही फाइनल पोजीशन, यही बताना है कितना गैप है इनके बीच में। तो ये 8, ये 6, तो ये पक्का 10 होगा। ऑप्शन ए, कैसे डिसाइड किया? हम जानते हैं कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट होती है, ये 8 4 का डबल है, ये 6 3 का डबल है, तो ये पक्का 5 का डबल 10 होगा। 19 नंबर पहले बनाएंगे, 12 × 7 को इस तरीके से लिखा है, 9 × 8 को इस तरीके से लिखा है, तो 13 × 7 को किस तरीके से लिखेंगे? 12 × 7 = 84 होता है, 84 में से 8 को यहाँ रख लिया, 4 को यहाँ रख लिया, 0 को बीच में रख दिया। इसी तरीके से 13 × 7 होता है 91, 91 का 9 यहाँ पर रख लेंगे, 1 उधर दे देंगे, बीच में 0 रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 109। ऑप्शन डी, ट्राइंगल गिनने हैं, तो ट्राइंगल अगर आप एक्यूरेटली गिन पा रहे हैं और ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं तभी अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल और तीसरा पूरा ट्राइंगल, चौथा ये ट्राइंगल, तो इस छोटे से स्क्वायर में 4, सेम स्क्वायर इधर है तो इधर भी 4, सेम स्क्वायर इधर भी है तो ये भी 4, सेम स्क्वायर इधर भी है तो ये भी 4, तो 16 ट्राइंगल यहीं से हो गए, 12 आंसर नहीं हो सकता है। और 17वां ट्राइंगल आपको देखिए कौन सा मिला, फिगर को रफ करके दिखाता हूँ कौन सा मिला है। 17वां जो ट्राइंगल है वो ये मिल गया, तो इसका मतलब 16 भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 18वां ट्राइंगल
ये मिल गया। 19वां बताता हूँ कौन सा है, पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। 19वां ये मिल गया, 20वां ये मिल गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 20, ऑप्शन डी। इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल गिन के बताने हैं, तो फिर से अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ही अटेम्प्ट करिए। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं, तीन और ऐसे ऐसे 9 नीचे भी हैं, तो 12 क्वाड्रिलेटरल तो यहीं से हो गए, 13, 14, ये 15वां, ये पूरा 16वां, तो अभी तक 16 तो यहीं से हो गए। उसके बाद 1, 2, 3, 1, 2, 3, 16, 6, 22 हो गए, तो 20 आपका आंसर नहीं हो सकता है। 22 अभी तक हमने काउंट कर लिए हैं, ये 23वां, ये 24वां, 20, 22 एक्चुअली दोनों नहीं हो सकते क्योंकि 23, 24 निकाल लिए हमने। इसी तरीके से 25 और ये 26, 27 से ऊपर अगर कोई वैल्यू मिली तो इसको भी हटा देंगे और डी को टिक कर देंगे। तो चलिए ढूंढते हैं फिर, ये देखिए 26, 27, 28, तो 27 से ऊपर वैल्यू चली गई ना, तो इसको हटाइए, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। देयर आर 19 हॉकी प्लेयर्स इन अ क्लब, क्लब में 19 हॉकी प्लेयर हैं। ऑन अ पर्टिकुलर डे 14 प्लेयर्स वर वियरिंग प्रिस्क्राइब्ड हॉकी शर्ट, नन ऑफ देम वर विदाउट हॉकी पैंट और शर्ट। मतलब किसी ने या तो पैंट डाली होगी या तो शर्ट डाली होगी, तो दो टाइप के कपड़े हैं, इसलिए दो वीन डायग्राम बनाएंगे। ये हॉकी की शर्ट हो गई और ये हॉकी की पैंट हो गई। हॉकी शर्ट वाले कितने हैं, 14 हैं। इस 14 को बाहर क्यों लिख रहा हूँ पता है, क्योंकि ये जो 14 हैं इनके बारे में ये कन्फर्म नहीं है कि ये केवल हॉकी की शर्ट ही पहनते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ हॉकी की पैंट भी पहने, इस वजह से मैंने इसको बाहर लिखा। 11 प्लेयर्स वर वियरिंग प्रिस्क्राइब्ड हॉकी पैंट, तो हॉकी पैंट वाले 11 हैं, इनमें से कुछ शर्ट वाले भी हो सकते हैं, इस वजह से इसको भी बाहर लिखा। इन सबको अगर आप जोड़ दें तो 14, 11, 25 हो जाएगा, जबकि प्लेयर ही कुल 19 हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा 6 है किन की वजह से आया है, ये एक्स्ट्रा 6 जो है वो इधर लिखा जाएगा, क्योंकि 6 लोग ऐसे हैं जो कि शर्ट वाले भी हैं और पैंट वाले भी हैं, और फुल यूनिफॉर्म वाले वही माने जाएंगे जिन्होंने शर्ट पैंट दोनों पहन रखी हैं। तो इसका तो आंसर मैंने दे दिया, 6, ऑप्शन सी। रिसरेक्शनिस्ट का यूज करके कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं, विच कैन बी फॉर्म्ड, ये जरूर पढ़ लिया करिए कि पूछा क्या है, बनने वाला कि ना बनने वाला। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा बनेगा, टूरिस्ट बन सकता है कि नहीं, तो टी ओ यू आर IST, तो ये तो पहले ही बन गया, तो इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। 24 नंबर सवाल की बात करते हैं, टी पुलिस इज कॉल्ड टीचर और बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं। सबसे पहले आप ये देखते हैं कि पूछा क्या है, हु विल कैच द एनिमल्स, सॉरी हु विल कैच द क्रिमिनल, क्रिमिनल को रियल लाइफ में कौन पकड़ता है, पुलिस पकड़ती है। पुलिस को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, पुलिस इज कॉल्ड टीचर, तो आंसर क्या हो जाएगा, टीचर, ऑप्शन ए। यहाँ पे आपको इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है और साइन कौन सा यूज़ करना है, इस बात की जानकारी आपको ऊपर दे रखी है। तो नंबर लिख लेते हैं, 44, 9, 12, 6, 4 और 16। 44, 9 के बीच में क्यू है, क्यू का मतलब है इनटू। 9, 12 के बीच में आर है, आर का मतलब है डिवाइड बाय। 12, 6 के बीच में एस है जिसका मतलब माइनस है। 6, 4 के बीच में क्यू है जिसका मतलब इनटू एक बार फिर से है। पी का मतलब क्या है, जो कि 4, 16 के बीच में है, प्लस करना। तो बस फाइंड कर दीजिए इसको, 44 × 9/12 −6 × 4 + 16, 3 4 = 3 3 = 4 11 = 11 3 33, 6 6 = 24 + 16, 33 में से 24 गया तो 9, 16 9 कितना आ गया, 25, ऑप्शन सी। इसके बाद हम लोग ऊपर जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं रीजनिंग में उनको सॉल्व करेंगे। सारी इंस्ट्रक्शन आपको दे रखी हैं 18 नंबर में और आपको बताना है कि ए प्लस बी और बी माइनस सी का क्या मतलब है। तो यहाँ पे प्लस का मतलब है ग्रेटर, यहाँ पे देन होगा मतलब उससे बड़ा है। तो ए और बी के बीच में प्लस है ना, तो इसका मतलब ए ग्रेटर देन बी, इक्वेशन नंबर 1।
बी माइनस सी। माइनस का मतलब यहाँ पे है स्मॉलर फ्रॉम, नहीं इसको लेस देन लिखेंगे तो ज़्यादा सुटेबल है। तो मतलब बी लेस देन सी, इक्वेशन नंबर दो। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर सकते हैं कि नहीं वो देख लीजिए, तो नहीं हो पाएगा। ए ग्रेटर देन बी, इसका मतलब बी इज़ लेस देन ए। बी जो है वो ए और सी दोनों से छोटा है, लेकिन ए और सी का आपस में कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला। तो इन तीनों की अलग अलग वैल्यूज़ मान लेते हैं। बी हम 1 ले लेते हैं जो ए से छोटा है। तो ए किससे छोटा हो सकता है, वो 2 से छोटा हो सकता है। तो बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 2। ए और सी के बीच में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये कनेक्शन ज़रूर है कि बी जो है वो सी से भी छोटा है। तो सी थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। फिलहाल ए और सी के बारे में पता नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ए प्लस सी, प्लस का मतलब ग्रेटर देन। मैंने कहा कि कुछ पता नहीं है, इन्होंने सीधे सीधे बता रखा है कि बड़ा है, नहीं हो सकता। ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू का यहाँ पे ऊपर मतलब है नॉट ग्रेटर देन, मतलब उससे छोटा नहीं है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता इनके बारे में, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी की ओर चलेंगे, वहाँ पे लिखा है ए इंटू सी। तो ए इंटू सी और प्लस का मतलब है ग्रेटर देन। क्या ए और सी का प्रोडक्ट बी स्क्वायर से ज़्यादा होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब बी जो है वो ए और सी दोनों से छोटा हो, और ये बात तो दे रखी है ना कि बी जो है वो ए और सी दोनों से छोटा है, भले ही ए और सी के बीच में आपस में क्या कनेक्शन है ये हमें नहीं पता। तो इसका मतलब ये बात एकदम सही है, ऑप्शन बी। जिस तरीके से ह्यूमन को ये लिखते हैं, तो बैंड को क्या लिखेंगे? नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। एच 8, यू 21, एम 13, ए 1, एन 14। उसके बाद एन 14, डी 4, एम 13, एक्स 24 और ये 8। अगर आप 8 से 8 को कंपेयर करेंगे तो देखेंगे नो चेंज। जो हमारे पास है और जो हमारा कोड है, उसमें से ज़रा समझने की बात ये है कि जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है उसका हमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट उठाना है, उसको कंपेयर करना है कोड के लास्ट वाले से, इसी तरीके से बाकी काम करना है। ये जो 24 है, मतलब ये जो 21 है उससे प्लस 3 करेंगे तो 24 आएगा। पहली बार में हमने कोई चेंज नहीं करा, फिर प्लस 3 करा। उसके बाद ये 13 और उधर ये भी 13, तो फिर से नो चेंज। तो लगातार ऑर्डर क्या मेंटेन हो रहा है, नो चेंज प्लस 3 नो चेंज। अगली बार देखते हैं प्लस 3 हुआ कि नहीं। ये 1 है, ये 4 है, तो प्लस 3। तो नो चेंज प्लस 3 नो चेंज प्लस 3, ये लॉजिक कुल मिला के मिल रहा है। तो ये जो बी है लास्ट में, ये बी कॉपी हो जाएगा जाके, क्योंकि यहाँ पे जो एच था पहले वो उधर जाके कॉपी हो गया। उसके बाद ये जो ए है इसमें प्लस 3 करेंगे तो डी आ जाएगा। उसके बाद ये एन है, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ये डी है तो ये जी आ जाएगा। तो जी एन डी बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जिस लॉजिक के तहत हम काम कर रहे हैं, जी एन डी बी जो कि चारों ऑप्शन में है नहीं, तो ये यहाँ से करेक्ट होगा। 7 नंबर बात करते हैं। इन अ रो 37 चिल्ड्रन स्टैंड फेसिंग साउथ, 37 बच्चे हैं और हर एक लोग साउथ में देख रहे हैं, मतलब ऐसे नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब ये बात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर की तरफ मान लेते हैं और किसी पर्सन की लेफ्ट हैंड साइड को ये बता देते हैं और उसकी राइट हैंड साइड को ये बता देते हैं, जबकि यहाँ पे केस उल्टा हो जाएगा। आप खुद को इमेजिन कर सकते हैं मेरी कर्सर की डायरेक्शन में देखते हुए, आपकी राइट हैंड साइड क्या होगी ये बताइए। ये आपकी राइट हैंड साइड होगी जबकि ये क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट और राइट आपस में बदल जाएंगे जब आप साउथ में देखेंगे। तो आर इज 8th टू द राइट ऑफ टी, ये है आपका टी और वो कैसे देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, उसकी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी ये। अब ये जो आर है 8वीं पोजीशन पे है, तो इसका मतलब अगर यहाँ कहीं आर है तो इन दोनों के बीच में 7 लोग होंगे, तभी तो वो 8वीं पोजीशन पे रह पाएगा ना आर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। हु इज 14th टू द लेफ्ट ऑफ डी, अब टी के बारे में कहा जा रहा है कि वो 14वीं पोजीशन पे है डी के कंपैरिजन में, तो डी समथिंग यहाँ पे होगा और वो नीचे की तरफ ऐसे देख रहा होगा। डी की लेफ्ट हैंड साइड है ये,
कितनी पोजीशन पे है? तो 14th पोजीशन पे है। इसका मतलब डी और टी के बीच में कुल मिला के 13 लोग आ रहे हैं। सात ये कांटे डिस्टेंस पे आ चुके हैं, आठवां बंदा आर है, तो इन दोनों के बीच में कितने बंदे हैं? पांच हैं, क्योंकि टोटल 13 हैं। सात यहाँ पे आ चुके, आठवां बंदा आर, उसके बाद पांच लोग बाकी के आ जाएंगे। और पूछा है हाउ मैनी चिल्ड्रेन आर देयर बिटवीन डी एंड आर, तो हमने निकाल लिया पांच बच्चे हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 17 तक अगर आपको आंसर देना है तो ये पजल सॉल्व करनी पड़ेगी। सम टीम्स वर सिलेक्टेड इन फाइव डॉक्टर्स ए बी सी डी एंड ई, तो ये रहे आपके पांच डॉक्टर, फोर इंजीनियर्स जी एच एल के, तो ये आपके चार इंजीनियर हैं और छह टीचर हैं एम से लेकर आर तक। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि ए बी जी और ये सब लोग फीमेल हैं, तो कौन कौन फीमेल है कौन मेल है ये बात आपको नोट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीमेल, ये डेटा अंत तक काम आएगा 17वें नंबर क्वेश्चन तक, तो इसको ध्यान से नोट करना है। ए बी जी एच ओ पी क्यू, ये सब लोग कौन है? तो ये सब आपकी फीमेल्स हैं। इनके ऊपर नेगेटिव का साइन लगा देता हूँ सो दैट आपको याद रहे। तो बाकी लोग कौन है? मेल हैं। बाकी लोग कौन कौन मेल हैं ये बात हमें लिखनी पड़ेगी। ए बी हो गया, फिर सी डी ई, एफ नाम का कोई है क्या? नहीं है। जी एच हो गया, के एल हो गया, एम एन ओ है तो एम एन लिखना पड़ेगा, पी क्यू वहाँ पे पहले से हैं, तो चलिए कुल मिला के इनको गिन लेते हैं, तीन तीन छः एक सात, तीन दो पाँच दो सात, कुल मिला के 14 लोग हैं, पाँच चार नौ छः 15, एक लोग की कमी पड़ रही है। चलिए देखते हैं हमने किसको छोड़ दिया है, हमने आर को छोड़ दिया। तो ये सब लोग कौन हैं? प्लस वाले हैं, मतलब मेल हैं। अब कंडीशन को भी सिंबॉलिक फॉर्म में नोट डाउन करना पड़ेगा। वेन एवर अ मैन इज डॉक्टर, अगर कोई मेल डॉक्टर को आपने सिलेक्ट कर लिया अपनी टीम में, देयर विल बी नो फीमेल टीचर। तो पहली कंडीशन ये है, अगर मेल डॉक्टर है आपके पास तो उस समय फीमेल टीचर नहीं होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वन एवर अ मैन इज एन इंजीनियर, अगर आप मेल इंजीनियर को अपनी टीम में ले रहे हैं तो उस समय कोई फीमेल डॉक्टर नहीं होनी चाहिए। नो टीम शैल हैव मोर देन टू मेल टीचर्स, दो मेल टीचर्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये जो मैंने रेड से पूरा लिखा हुआ है, अगर आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं। आई थिंक अभी तक सबने नोट कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, 14वां नंबर। इफ देयर आर टू डॉक्टर्स, हमें क्या चाहिए? दो डॉक्टर चाहिए, थ्री विमेन टीचर ये भी चाहिए, दो इंजीनियर ये भी चाहिए, तो कौन सी टीम बन पाएगी चारों ऑप्शन में से ये आपको बताना है। तो दो डॉक्टर, डॉक्टर की प्लेस पे कौन कौन आ सकते हैं? ऊपर देखिए ए से लेकर ई तक, और 14वें के ऑप्शन नंबर ए में ए और बी आपने डॉक्टर ले लिए पहले, और ये दोनों कौन से डॉक्टर हुए? फीमेल डॉक्टर हुए। फीमेल डॉक्टर के लिए कोई कंडीशन है क्या? फीमेल डॉक्टर आप तब नहीं ले पाएंगे जब आपके पास मेल इंजीनियर आ जाएं। तो फीमेल डॉक्टर आपने ले तो लिया, अब आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपके पास मेल इंजीनियर नहीं आना चाहिए। तो दो इंजीनियर ये जो हैं, ये देखते हैं मेल है कि फीमेल, अगर मेल हुए तो ऑप्शन यहीं से ख़त्म। ये जी और एच आपके कौन हैं? जी और एच फीमेल हैं, तो इसका मतलब हम लोग बच गए, ये ऑप्शन अभी तक आपका बचा हुआ है। ये दोनों फीमेल हैं और इंजीनियर हैं। अब जो बाकी के हैं, तीन क्या चाहिए? तीन टीचर चाहिए आपको, ओ पी क्यू। ओ पी क्यू पहली बात तो टीचर होने चाहिए, ऊपर से फीमेल होने चाहिए, तभी ये ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट माना जाएगा। चलिए देखते हैं ओ पी क्यू का क्या हिसाब किताब है। ओ पी क्यू तीनों फीमेल हैं, और ऊपर देखें अगर आप तो
ओ पी क्यू, ये टीचर भी हैं, इसका मतलब सब कुछ सही है, कहीं कुछ गलत नहीं हुआ, तो ये टीम आपकी बन सकती है। ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो गया। 15 नंबर बात करते हैं, इफ देयर आर टू डॉक्टर्स, आपको क्या चाहिए? दो डॉक्टर चाहिए, वन इंजीनियर चाहिए आपको, फोर टीचर भी चाहिए आपको, और दिया हुआ है कंडीशन के हिसाब से कि दो से ज़्यादा मेल टीचर होने नहीं चाहिए। तो दो डॉक्टर यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से दो डॉक्टर लिए हैं? ए बी लिया है, और ए बी फीमेल है, इतना तो मुझे याद ही हो गया। तो दो फीमेल डॉक्टर हो गए आपके पास। अगर आपको कंडीशन याद हो, मैं दिखा देता हूँ वो कंडीशन क्या है, कि आपने फीमेल डॉक्टर ले तो लिया, अब आपको ये बात मेक श्योर करनी पड़ेगी कि आपके पास कोई मेल इंजीनियर ना हो। तो मेल इंजीनियर अगर मिला तो उस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर देंगे। यहाँ पे इंजीनियर के प्लेस पे जी है जो हमारी फीमेल है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे एच है जो हमारी फीमेल है, हो सकता है ये भी। यहाँ पे एच है जो फीमेल है, लेकिन यहाँ पे के है और के एक मेल इंजीनियर है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तीन ऑप्शन अभी भी आपके चालू हैं। अब जो मेन बात फंसेगी वो टीचर के रिगार्डिंग फंसेगी। आपको चार टीचर चाहिए ना, और चार टीचर में कॉम्बिनेशन देखिए क्या बन सकते हैं, या तो दो मेल दो फीमेल हो जाएं, या तो तीन फीमेल एक मेल हो जाएं, या तो चारों फीमेल हो जाएं टीचर्स, क्योंकि दो से ज़्यादा मेल लेना आपको अलाउ नहीं है। यहाँ पे टीचर के प्लेस पे है आपका MNOP। ऊपर देखते हैं जरा, टीचर के प्लेस पे MNOP है भी कि नहीं। तो MNOP हैं तो टीचर्स ही। अब देखते हैं कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं। तो MN तो आपके मेल हैं, तो आपने दो टीचर ले लिए, और OP आपके फीमेल है, तो फीमेल टीचर हो गए, तो MNOP बिल्कुल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दूसरे ऑप्शन में इन्होंने क्या लिया है? MOPQ। अब देखते हैं MOPQ आपके टीचर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं। तो आ तो टीचर्स की कैटेगरी में ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। MOPQ में फिर प्रॉब्लम क्या है आखिर? तो OPQ, ये तो तीन आपकी फीमेल है, और M जो है ये आपके मेल हो गए, तो एक मेल टीचर ले लिया, तीन फीमेल टीचर ले लिया। MOPR के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, यहाँ पे हमसे ये पूछा जाना चाहिए था कि कौन सी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये तो हमने ढूंढ लिया ना पहले कि ऑप्शन डी आपका नहीं हो सकता, तो बाकी के तीन हो सकते हैं, डी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा, प्रोवाइडेड ये क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए और पूछा जाए कि कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इफ देयर आर टू डॉक्टर्स, सबकी बार आपको दो डॉक्टर चाहिए, दो विमेन टीचर चाहिए और दो इंजीनियर चाहिए। अगर आप ऑप्शन ए में देखें तो आपने दो की दोनों फीमेल डॉक्टर उठा ली, फीमेल डॉक्टर ले तो ली, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो इंजीनियर है वो मेल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जी और एच दो इंजीनियर चाहिए ना, जी एच दोनों फीमेल हैं, ये हो सकता है अभी भी, और दो विमेन टीचर चाहिए ओ क्यू, ये तो फीमेल है ही हैं, तो विमेन टीचर हो गए, ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो जो बन सकता है वो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आपको बताना है विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये ए बी फीमेल डॉक्टर हैं, फीमेल डॉक्टर के बाद जी एच फीमेल इंजीनियर है, मेल मेल इंजीनियर होता तो गलत हो जाता। पी क्यू ये भी फीमेल है, सही है। ए बी फीमेल डॉक्टर ले ली, लेकिन के एल ले लिया, के एल को ऊपर मैं दिखा देता हूँ क्यों गलत ले लिया। जहाँ तक के एल का सवाल है तो ये मेल्स हैं और ये मेल इंजीनियर हैं। अगर आपने फीमेल डॉक्टर दोनों उठा ली तो मेल इंजीनियर आपको नहीं लेना है, कंडीशन में साफ साफ बोला हुआ है। तो ये हमने गलती क्या कर दी? ऑप्शन सी की गलती कर दी, ये आपका करेक्ट हो गया। 17 नंबर जो कि पजल का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इफ देयर आर थ्री डॉक्टर, तो डॉक्टर चाहिए तीन, टू मेल इंजीनियर चाहिए। ये बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेल इंजीनियर आपको चाहिए ही चाहिए, और अगर आपने मेल इंजीनियर ले लिया तो विमेन डॉक्टर आप नहीं ले पाएंगे। एनीवे बात करते हैं, दो टीचर और चाहिए, तो सबसे पहले मेल इंजीनियर्स को ढूंढिए, KL, KL, KL और KL। अभी तक मेल इंजीनियर वाला मामला एकदम ठीक है, लेकिन ये क्या, ए बी तो फीमेल डॉक्टर हैं, मेल इंजीनियर ले लिया तो फीमेल डॉक्टर नहीं लेना है, ऑप्शन गलत। उसके बाद और कौन फीमेल डॉक्टर है ऊपर देख लेते हैं जरा,
बी सी डी, अगर ये तीनों फीमेल निकली तो ये भी गलत, अगर एक भी निकली तो भी गलत इनफैक्ट। तो चेक करने की ज़रूरत क्या है, मैंने बोला ए बी दोनों फीमेल हैं तो बी तो तब भी फीमेल हैं, और एक भी फीमेल आपको नहीं चाहिए अगर आपने मेल इंजीनियर ले लिए तो, ये भी गलत। बाकी दोनों ऑप्शन में सी डी कॉमन है, सी डी ई इनफैक्ट कॉमन है, तो इसका मतलब तीन डॉक्टर तो सी डी ई हैं और जाहिर सी बात है मेल होंगे, तभी तो दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं क्योंकि दो ऑप्शन पहले ही कट चुके हैं। के एल ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, दो टीचर चाहिए, दो टीचर या तो एम एन हो सकते हैं या तो पी आर हो सकते हैं। एम एन पी आर में जो टीचर मिला वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एम एन ये टीचर हैं और पी आर ये भी टीचर हैं। टिक किसको किया जाए, ये फिर से गाड़ी फंस गई। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे सी और डी, क्योंकि दोनों ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं।